गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं? सबको राम राम, नमस्कार, नमस्ते। एसएससी का रिजल्ट आ गया है। एसएससी वाले शेरों, क्या क्या, थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन बहुत ऐसा बोला जा रहा था, बहुत कट ऑफ जाएगा, बहुत कट ऑफ जाएगा, तो कट ऑफ देखो इतना नहीं गया क्योंकि एग्ज़ाम थोड़े इसी लेवल के आए थे, थोड़े टफ तो थे एग्ज़ाम, है ना। तो उसी बिहाफ में अभी आपके पास 2 महीने हैं, पर प्री के रिजल्ट आने से एक चीज़ बहुत क्लियर हो जाती है कि आपने उसमें महसूस किया होगा कि 157 से ऊपर 1000 लोगों के भी नंबर नहीं है, 157। तो इसका मतलब इस बार आपका पता होगा, आपको कट ऑफ 132 गया है जनरल, और ईडब्ल्यूएस में 109, ओबीसी 119। तो अगर आप महसूस करें कि अगर कट ऑफ से मैं 150-160 तक जाऊं तो सारे आंकड़े यहीं पर हैं, तो 20-25 नंबर बहुत ज़्यादा डिसाइडिंग फैक्टर नहीं होगा। इस बार जो डिसाइडिंग फैक्टर होने वाला है डेफिनेटली मेंस रहेगा, और सबसे अच्छी बात यह है कि मेंस एक ही शिफ्ट में है, तो कोई नॉर्मलाइजेशन, उसका मैथ हार्ड आ गया, उसका इंग्लिश इजी आ गया, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, तो एक अच्छी बात यहाँ पर ही हो जाती है ना, राइट। तो इस वाले बिहाफ में तो अब आपको मेंस की तैयारी के लिए जुट जाना है। 2 महीने हैं आपके पास, इस 2 महीने में मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर करने का ट्राई करना है, कोशिश करनी है, और जो कोशिश करते हैं वो तो हार हो ही नहीं सकती। तो प्री में चाहे कितने भी आपके नंबर हैं, बहुत ज़्यादा डिसाइडिंग फैक्टर नहीं होने वाला, मैं फिर से बोल दूं, क्योंकि कट ऑफ से 20-25 नंबर के अंदर ही सारा मामला, जितने भी कैंडिडेट्स हैं सब उसके अंदर ही हैं। तो अब ये बात क्लियर हो जाती है, अगर आप मेंस अच्छे से देते हैं, प्रिपरेशन करके अच्छे से एकदम एफर्ट करके, तो आपके मेंस के मार्क्स ही आपको सिलेक्शन की तरफ लेके जा रहे हैं। दूसरी अच्छी बात ये है कि एसएससी ने चलो अपना जो प्रोसीजर है थोड़ा फास्ट कर दिया है, आपका 28 जनवरी आई थिंक मेंस, एंड आफ्टर डैट 6 या 7 को आपका विद इन अ वीक, एक वीक बाद आपका डिस्क्रिप्टिव भी है। तो आपको अब तैयारी में लग जाना है। आपके आसपास आप जितने भी लोग आपके हैं, तो आप सोचिएगा एसएससी कहीं ना कहीं उसका जो पहले जो पैटर्न चलता था 2-2, 3-3 साल, उसने थोड़ा फास्ट तो किया ही है डेफिनेटली, और मेंस लेते ही डिस्क्रिप्टिव, इसका मतलब तैयारी में है, आपको जल्दी से जल्दी जॉब लगे आपकी, है ना। तो इसी बिहाफ में बहुत सारे स्टूडेंट्स का मेरे पास कॉल था कि मैम अब क्या करना है, मेंस का स्ट्रैटेजी क्या करना है, मेंस का स्ट्रैटेजी। तो इंडिविजुअल स्ट्रैटेजी तो मैं नहीं कर पाई, तो फिर मैंने सोचा कि मेरे शेड्यूल में से बहुत बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल था, फिर भी इतने सारे बच्चे जिनको प्री पढ़ा चुके हैं, अब उनको डेफिनेटली मेंस तक भी ले जाना जिम्मेवारी है हमारी। तो हमने ऑनलाइन, इस बार ऑफलाइन कोई भी बैच नहीं रहेगा, सारे बच्चे मेरे जो ऑफलाइन वाले हैं वो भी ध्यान दें इस बात पर, ऑफलाइन कोई मैं मेंस का बैच नहीं लेने वाली हूँ। हाँ, बट आपका एप्लीकेशन पर मेंस का बैच जरूर रहेगा। मेंस का बैच हम 1 दिसंबर से ही शुरू कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, 2 ही महीने हैं हमारे पास। वोकैबुलरी और कॉम्प्रिहेंशन, आप जानते होंगे इंग्लिश आपका 200 मार्क्स का आएगा, उस 200 मार्क्स में भी जो आपका डिसाइडिंग फैक्टर है, ग्रामर इतना बड़ा पार्ट नहीं, रोल नहीं प्ले करता, आपका सबसे डिसाइडिंग फैक्टर या सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है आपकी वोकैबुलरी और आपका कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन, योर पैसेजेस, योर क्लोजेस, योर पीक्यूआरएस, सनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड, ईडियम फ्रेज, और आपका स्पेलिंग, है ना। तो एक्टिव वॉइस और ये आपका नरेशन, ये तो आप उधर कर ही लेते हैं 40 नंबर का, उसके बाद आपका पूरा का पूरा गेम वोकैबुलरी कॉम्प्रिहेंशन पर रह जाता है। तो आपको उसकी तैयारी शुरू करनी है, उसकी तैयारी आज से ही हम शुरू कर दें तो बेटर रहेगा। जिसके भी जितने भी मार्क्स हैं आपके कट ऑफ से, अगर 2 नंबर भी ऊपर है, 3 नंबर भी ऊपर है, तो तैयारी करें, क्योंकि 20-25 नंबर का ही डिफरेंस है। अगर आप मेंस में चाहें तो सब बीट कर सकते हैं, ज़्यादा है ही नहीं ना, 157 से ऊपर 1000 भी नहीं है, तो अपने आप ही आप, और सबसे ज़्यादा जो क्राउड है वो अगर आप लिस्ट देखें तो 132 से 145 तक ही सबसे ज़्यादा क्राउड है। तो इसलिए जिसके कम मार्क्स हैं इस बार टेंशन ना लें, अरे भाई 180 नंबर हैं, 100 नंबर हैं ही नहीं ना, 180 100 नंबर, ठीक है, समझ में आई बात। चलो, तो एक तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं, यही इसी बैच की मैं बात कर रही थी, मेंस का जो हमारा बैच है उसके रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाएंगे अभी रात से ही, मेंस के बैच के, वो कैब और कॉम्प्रिहेंशन का वो बैच रहेगा, 1 दिसंबर से हम उसे शुरू करने वाले हैं। कोई अगर नया है तो हमारी ओशन गुरुकुल ऐप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, वहां से इस बैच को ले सकता है, और जल्द से जल्द हिसाब बने इसका, क्योंकि आपके डिसाइडिंग फैक्टर 2 महीने में जिंदगी बदल सकती है आप चाहें तो। चलिए आज की मैराथन की शुरुआत करते हैं, जितना भी लास्ट, और इस बैच को सिर्फ मेंस वाले नहीं, अगर
कोई आपका एनडीए सीडीएस एफ कैट और हाई लेवल, आप बोलते ना कि बेसिक बेसिक तो मुझे आता है यार, अब मैं ऐसे आप वोकैबलरी का सेक्शन पढ़ना चाहता हूँ जिससे मैं मेंस लेवल की तैयारी करूँ, एनडीए सीडीएस एफ कैट इनकी तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस बैच को ले सकते हैं। बैच का ड्यूरेशन सिर्फ 2 महीने रहेगा। 2 महीने में बिल्कुल विदाउट कुछ टाइम वेस्ट करें, हमें फटाफट 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 जितना मैक्सिमम हो सकता है सारी वो कैब पढ़ देनी है कि मेंस में इंग्लिश में हम 200 में से 200 टारगेट करें। अगर इंग्लिश में आप 200 टारगेट करेंगे तो कहानी अपने आप बदल जाएगी। ठीक है, चलो फिर शुरू करें। आज आपको एक काम करना है मेरे साथ, क्वेश्चन करा रहे हैं, अपने मार्क्स चेक करिएगा कि आपका लेवल क्या है, अभी आपका लेवल क्या है। ये क्वेश्चन बता देती हूँ, लास्ट 10 ईयर्स आज का जितना भी आपका क्लास रहेगा पूरा 10 ईयर पिछला जो भी है वही सब मैंने उठा रखा है, और हम आपसे पूछ रहे हैं ये सीरीज चलेगी आपकी सिनोनिम्स की। ठीक है, बताइए फिर शुरू करें जी। सबको गुड इवनिंग, हेलो, राम राम, नमस्कार, हनुमान हनुमान, जय भीम। ठीक है, हाँ हाँ, जय भीम, ठीक है भाई, बस बस समझ गई मैं, मूवी देख रखी तूने। करें, चलो शुरू करते हैं। एंडेवर, एंडेवर क्या है? एंडेवर क्या होता है? एंडेवर, एंडेवर का मतलब क्या है? सक्सेस, रिजल्ट, अचीवमेंट, अटेम्प्ट। देखिए आपके साथ प्रॉब्लम क्या होती है, एग्जाम में भी यही प्रॉब्लम होती है, कई बार आप बहुत वो कैब का रट्टा मार लेते हैं फिर भी क्वेश्चन ठीक नहीं होते, ऐसा सबके साथ होता होगा, अम राइट? बिल्कुल होता है ना। तो अगर ऐसा होता है आपके साथ, इसका रीजन ये है कि आपने प्रैक्टिस नहीं करी। सिर्फ वोकैब भी एग्जैक्टली मैथ्स की तरह है कि आपने पढ़ लिया, कॉन्सेप्ट क्या है वो तो आपको आ गया, लेकिन जब एग्जाम में आप उसे अटेम्प्ट करने लगे तब आप इतना पीछे क्यों रह जाते हैं? उसका कारण ये है कि आपने उसकी प्रैक्टिस नहीं करी। जब आप एंडेवर वर्ड जो आपके सामने है, एंडेवर, आप सोचते हैं कि यार ये तो सक्सेस भी हो सकता है, वैसे तो एंडेवर एक कार है तो उन्होंने अपना नाम क्यों रखा ऐसा उसकी पीछे कहानी है, उसका मीनिंग ही उसको डिसाइड करता है कि हम अपना नाम ये रखना चाहते हैं। उन्होंने सक्सेस कहना चाहा, अचीवमेंट कहना कहा चाहा, रिजल्ट। देखिए मैं आपको पेपर सॉल्व करने का तरीका बताती हूँ, बाय चांस आपको नहीं आता, छोड़िए कंफर्म नहीं हो रहा, आने को तो आना चाहिए, लेकिन अगर मान लो नहीं आता, इन दैट केस आपको क्या करना है भाई? प्रॉब्लम मैं जानती हूँ या तो सक्सेस में हो रही होगी, अचीवमेंट में। अब सक्सेस और अचीवमेंट ये तो सिमिलर वर्ड है ना, दो मीनिंग आंसर कैसे हो सकते हैं? तो ये आपका आंसर भी नहीं बनेगा। ऐसी सिचुएशन अगर इस तरीके से आप पेपर अटेम्प्ट करेंगे तो आपकी बहुत सारी समस्या सोल्व हो सकती है। पहली बात तो मेरी ये सुन लें, ठीक है? तो फिर आप सोचेंगे कि मैं आपको मीनिंग बता देती हूँ, आंसर सबने दे दिया होगा जितना अपने तरीके से, बस गलत आंसर दे रहे हैं, ना ही रिजल्ट होता, आंसर होगा आपका अटेम्प्ट। एंडेवर वालों ने अपना नाम एंडेवर इसलिए रखा क्योंकि उन्होंने कहा था हमने अपनी तरफ से एक परफेक्ट कोशिश की है। एंडेवर कोशिश, और कोशिश भी कौन सी भाई कोशिश? शिद्दत वाली कोशिश की है उन्होंने, अटेम्प्ट किया है। मैं भी तो आपको ये बोल रही हूं कि आपका एग्जाम अभी होने वाला है, ऑब्वियसली तो होने वाला है, तो आपको एक सक्सेसफुल अटेम्प्ट देना है। सक्सेसफुल अटेम्प्ट का मतलब ही सक्सेस होता है, दैट्स व्हाई आप आंसर यहां पर मैच करें अपना अपना, अटेम्प्ट विल बी द राइट आंसर। ओके, जिसने भी बिल्कुल कर सकते हैं विकास, सक्सेस और अचीवमेंट नहीं होगा क्योंकि सिमिलर वर्ड है, अगर किसी ने लिखा है तो आप गलत इस अप्रोच से क्वेश्चन सोल्व ना करें। आज बहुत ज्यादा टाइम मैं ये नहीं बताऊंगी थ्योरेटिकली कि क्या, लेकिन आप फटाफट रिवाइज करें अपना ऑब्स्टेकल, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ ऑब्स्टेकल। आप कहते हैं कि यार मैं तो ये काम कर रहा था बीच में ऑब्स्टेकल्स आ गए हैं, ऑब्स्टेकल्स का मतलब होता है आपका नोट बेनिफिट, नोट क्लियरेंस, नोट एक्सेसरी, होता है बैरियर। बैरियर भी क्या है? एक रुकावट है। पुलिस वाले कोई आंदोलन वांदोलन करो तो सबसे पहले बैरियर लगा के बैठ जाते हैं, तो बैरियर क्या नजर आता है आपको? रुकावट नजर आती है, तो देखेंगे ऑब्स्टेकल का मतलब भी बच्चे बैरियर होता है। एक्सेसरी क्या है? एक्सेसरी जैसे कि आप ड्रेसअप होते हैं, तैयार होते हैं, तो आप बोले कि मेरा चश्मा, मेरी घड़ी, आपके अगर इयर रिंग्स हैं बालों के लिए कुछ गर्ल्स वगैरह जो भी, तो वो आपकी एक्सेसरी हो गई, मतलब कि एक्स्ट्रा चीजें जो आपको हेल्प करती हैं उन्हें आप एक्सेसरी कहते हैं। क्लियरेंस, क्लियरेंस, बेनिफिट, बेनिफिट कुछ। अब आप सोचें कि इंग्लिश हिंदी से नहीं सीखी जा सकती कि आप ट्रांसलेट करें, यार क्यों कर रहे हैं बेनिफिट को ट्रांसलेट? बेनिफिट बेनिफिट होता है जो चीजें हम समझ सकते हैं भाई, फैन फैन होता है, फैन माने जरूरी नहीं कि पंखा होता है,
ठीक है। तो जो हम कर सकते हैं, जितना हम कर सकते हैं, उसको एज इट इज ऐसा तैयार रखें, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, देर नहीं करेंगे आज। इनिशिएट, सब आपको 10 ईयर्स प्रीवियस है, लास्ट 10 ईयर अगर आप ये सोल्व नहीं कर सकते तो फिर मामला गड़बड़ है, फिर आपको एकदम बेसिक से वो का पढ़नी चाहिए, ठीक है। देखिएगा, इनिशिएट, इनिशिएट करना, साइन करना, साइन करना इनिशिएट होता है, नो मैम। स्लो करना इनिशिएट होता है, इनिशिएट का मतलब शुरू करना। ये मैंने नहीं बनाया, आप अपने प्रीवियस ईयर पेपर खोलिए और वहां से चेक करने लग जाइए, फ्रॉम 2008 से शुरू कर दीजिएगा, वहां से लेकर अब तक के सारे शुरू कर दीजिएगा, आपको लगेगा मैम ने वही पीडीएफ उठा ली, कॉपी नहीं की है मैंने, ये वहीं से आई है तो कॉपी हो गई है ना। तो जो प्रीवियस ईयर आ रखी है वही ये सब अटेम्प्ट है, ओके। और सबसे ज्यादा रिपीटिशन, सबसे ज्यादा जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है सब रिपीट होता है, सब रिपीट होता है। देखिएगा क्या इनिशिएट करना स्टार्ट होगा, सबने ठीक आंसर दिया, राइट। अरे स्लो तो मत बोलिए, शो तो मत बोलिए भाई, इनिशिएट तो स्टार्ट होगा, इसको तो शो मत बोलिए, शो को स्टार्ट होना नहीं, शो तो फिर पूरा शो होता है, ठीक है। शो माने शो दिखाना, दिखावा करना, जैसे कहते शो, दिखने से रिलेटेड वर्ड हुआ। आंसर विल बी, अरे नोट 4, 3, इनिशिएट करना, किसी चीज को स्टार्ट करना। कम टू द नेक्स्ट वर्ड, अडेप्ट, देखिएगा EPT, अडेप्ट, एप्ट वर्ड किसको कहता है, एप्ट वर्ड कहता है बच्चे गुण को, किसको कहता है, गुण को। आज आपको पूरी मैराथन के दौरान देखना है, अपना स्कोर चेक करना है और साथ में सीखना भी है। मैं प्रैक्टिस के दौरान भी पढ़ा देती हूँ, क्योंकि हर एक वर्ड को सिखाने का ऐसा वो हो चुका है कि वर्ड याद हो, प्रैक्टिस में भी याद होगा। अपने आप को जज करिएगा कि जब पूरी क्लास हो गई तो आपको महसूस होगा यार 300 400 500 वर्ड हो भी गए और फील भी नहीं हुआ, कोई ऐसा बर्डन तो लगा ही नहीं। सबसे आसान है वोकैबुलरी, इंग्लिश सबसे आसान है। एप्ट माने गुण होता है, तो हमने अभी यहां का क्या किया, एड कर दिया एप्ट, अडेप्ट। ध्यान दीजिएगा, एप्ट माने गुण होता है, इससे मैं कुछ और सिखाऊंगी आपको। एक वर्ड होता है इनएप्ट, ये भी एग्जाम में आता है। इनएप्ट का मतलब होता है कोई गुण ना होना, इन लगाने से वर्ड नेगेटिव हो जाते हैं। यहां पर हमने बोला अडेप्ट, गुण तो ऐड हुए हैं, जिसके अंदर गुण ऐड हो जाते हैं। आंसर देंगे, आंसर दिया, वेरी गुड। आंसर विल बी 1, स्किल्ड, नॉट काइंड हार्टेड। काइंड हार्टेड से कोई लेना देना नहीं है, गुण है तो क्या जरूरी है, वो काइंड हार्टेड है। अलोन, अकेला भी नहीं, अननोन भी नहीं, जिसे कोई जानता नहीं, फाइन। तो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा मुझे, ये लाइक की संख्या ना रुके, अगर आपको समझ में आ रहा है और आगे बढ़ सकते हैं तो मुझे बताना ना भूला करे कि क्लास कैसी लग रही है, आप बीच में भूल जाते हैं। बी नहीं बच्चे, 1 आंसर होगा। बी में काइंड हार्टेड का गुण होने से कोई लेना देना नहीं, गुण होने का मतलब होता है कि आपके अंदर कोई स्किल है ना, कोई स्किल है, जैसे आपकी प्लेइंग से रिलेटेड कोई स्किल है, सिंगिंग, डांसिंग, टीचिंग, कोई भी गुण आपके अंदर हो सकता है, उस गुण को कहते हैं अडेप्ट। आगे बढ़ूं, नेक्स्ट बढ़ती हूं, वर्ड है असिस्ट, असिस्ट वर्ड को आंसर दीजिएगा। जिसको आता है वो सब अपना स्कोर फटाफट चेक करते रहे, है ना, ये आपकी तैयारी का इनिशिएशन है, शुरुआत है, तैयारी की शुरुआत करेंगे तो ही जंग जीतेंगे, अगर शुरुआत ही नहीं करेंगे तो जंग भूल जाओ, है ना। देखो असिस्ट, असिस्ट का मतलब क्या होता है, जैसे हमने सुना है असिस्टेंस, असिस्टेंट, सोरो छोड़ो, असिस्टेंट तो सुने हो कि वो उसकी असिस्टेंट है, वो उसका असिस्टेंट है, तो असिस्टेंट क्या करता है, ये तो है मेन हेड और ये इसका असिस्टेंट, फाइल लेके इसके पीछे घूम रहा है, हाँ जी सुबह क्या करना, शाम को क्या करना, सर आपकी ये मीटिंग है, तो वो उसके डेली लाइफ में उसको क्या करता है, असिस्ट करता है बच्चे, असिस्ट करता है। तो मेंड मतलब सुधारना, जैसे आप सुनते हैं पॉलिटी में अमेंडमेंट, है ना, अमेंडमेंट का मतलब हो गया कुछ सुधार करना, तो मेंड नहीं, क्रिएट भी नहीं करता वो, क्रिएट माने शुरू करना, चेंज भी नहीं करता, चेंज नहीं कर सकता वो अपने मालिक को, क्या करता है, हेल्प करता है। तो आंसर देखिएगा, असिस्ट का मतलब क्या होता है, हेल्प। एक काम करिएगा आप सभी बच्चे, जितने लोग भी शासन को देख रहे हैं, ये पढ़ने के बाद मुझसे पूरी क्लास पढ़िएगा और मैं आपको एक चैलेंज देती हूं, आप शिद्दत से मेरी क्लास पढ़िएगा और मैं शिद्दत से पढ़ाऊंगी, फिर आप क्या करिएगा, क्लास देखने के बाद जब कल आपको समय मिले तो इस टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा,
एट द रेट सुमन इंग्लिश टेलीग्राम चैनल आपको मिलेगा मेरे नाम से, सुमन इंग्लिश के नाम से। यहां पर जाकर इस पीडीएफ को खोलिएगा जो मैं अभी पढ़ा रही हूं, इसका मैंने पूरा पीडीएफ तैयार करवा लिया है, वर्ड की फाइल आपके पास पहुंच जाएगी, उसको खोलिएगा और फिर उसका प्रिंट लीजिएगा, है ना, और प्रिंट लेके फटाफट आंसर चेक करिएगा और फिर अपने आप को नंबर दीजिएगा, वो लोग जो अभी अच्छा परफॉर्म ना कर पाए। रेडी, ये आपको करना है, मैंने बोला ना आपको शुरुआत करनी पड़ेगी, आपकी पढ़ाई की शुरुआत यही है। मुझसे सीखने के बाद आप इस पीडीएफ को यहां से पीडीएफ लीजिएगा इसी की, उसे सॉल्व करिएगा, मेरी गारंटी है 80-90% आपको आता होगा, लेकिन उसके लिए आपको पूरी क्लास देखनी होगी, मैं आपको समझा पाऊंगी कि वोकैबुलरी जो तुम लोग ये कहते हो ना सबसे मुश्किल हमें वोकैबुलरी लगता है, वोकैबुलरी तो याद नहीं होता, ये भ्रम मैं निकाल सकती हूँ। चलिए, असिस्ट का मतलब हेल्प हो जाता है। नेक्स्ट वर्ड है इंट्रिकेट, इंट्रिकेट भी बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। इंट्रिकेट क्या होता है, इंट्रिकेट का मीनिंग बताएंगे? यस, रेडी, ओके, फाइन। देखिएगा इंट्रिकेट का मतलब बताए मुझे। हाँ जी, जय हिंद, जय भारत, ओके। क्या हो गया तुम्हें ये जय गांधी जी, जय नेहरू जी, जय भीम, ये क्या हो रहा है? आवाज क्लियर नहीं है, क्या ऐसा है, एक बार बताएंगे मुझे? एक दो बच्चे का मैसेज आ रहा है कि क्लास क्लियर नहीं है। हाँ बस ये मैम आई लव यू, क्या है यार। एयरफोर्स के लिए भी, हाँ एयरफोर्स के लिए जल्दी पूरा बैच आने वाला है, आप लोगों को वोटिंग भी करवाया गया था। बाकी वोकैब आप मेरी ही पढ़िए, वोकैब आपको मुझसे पढ़नी पड़ेगी, बाकी मैथ्स और साइंस वगैरह वो हम शुरू करवा देंगे, पर वोकैबुलरी आपको मुझसे ही सीखनी पड़ेगी। ठीक है, सीख लोगे मुझसे, क्लियर है? चलिए सही है, क्लियर है, आंसर दे दिया किसी ने। इंट्रिकेट का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स, वेरी गुड, कॉम्प्लेक्स होगा। याद करने का तरीका बता देते हैं अगर किसी को नहीं आता। जब हम एंटर करते हैं गेट से, एंट्री गेट, एंट्री गेट, एंटर, एंट्री गेट, एंट्री गेट, जैसे मान लो एयरपोर्ट पे एंट्री गेट है, सबसे ज्यादा जो कॉम्प्लेक्स जो पॉइंट रहता है वो एंट्री गेट ही तो रहता है। ये प्रूफ दिखाओ, वो प्रूफ दिखाओ, टिकट दिखाओ, आधार कार्ड दिखाओ, तुम्हारी फोटो मैच नहीं हो रही, तो एंट्री गेट ही सबसे मेन कॉम्प्लेक्स मुद्दा हुआ। उसके बाद तो ठीक है, चिल करिए। तो ऐसे ही जब आप एग्जाम देने जाते हैं तो जहां पर चेकिंग वैकिंग की जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है, कठिनाई होती है, वो एंट्री गेट, दो बार बोलेंगे याद हो जाएगा, और कोई तरीका नहीं है याद करने का। एंट्री गेट, एंट्री गेट पर ही सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन होती है। नॉट कनेक्टेड, नॉट कलरफुल, एंट्री गेट नहीं, नॉट कंप्लीट, क्या होगा बच्चे, कॉम्प्लेक्स, जहां पर कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। अगर मैच नहीं हुई ना आपकी फोटो तो घर भेज देंगे, एग्जाम की तैयारी कितनी कर रखी हो, रोल नंबर अपना ही लेके जाना, किसी और का मत लेके चले जाना, वरना तो तैयारी करके भी बाहर। ठीक है, देखिए बच्चे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, इतना ऐसा लोड लेने की जरूरत नहीं है कि मैम मैं इस चीज़ की कर रहा हूँ, इस चीज़ की कर रहा हूँ, सब अपना अपना बताए जा रहे हैं। देखिए ऐसा कोई ठप्पा ही नहीं है, मैं कितनी बार कहती हूँ, पिछले 6 महीने से जब से मैं पढ़ाने लगी हूँ तब से यूट्यूब पर इतनी बार कह चुकी हूँ, जैसे इंसान की कोई ठप्पा नहीं है ना कि वो कौन से धर्म और कौन सी जाति का है, इसी तरह वोकैबुलरी का भी कोई ठप्पा नहीं है। इंट्रिकेट वर्ड ना ऐसा कि एयरफोर्स में नहीं आया, एक्स ग्रुप में नहीं आया, वाई ग्रुप में नहीं आया, एसएससी में नहीं आया, सीडीएस में नहीं आया, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब में आ सकता है। तो जब आप वोकैब पढ़ते हैं तो आपको प्रीवियस ईयर लगभग हर एग्जाम की पढ़नी पड़ती है ना, मैंडेटरी हो गई आपके लिए। चले यूपीपीएससी भी पढ़ा दें, अच्छा जी चलो। डिवोट, हम कहते हैं मैं तो इस धर्म के लिए एकदम, या इस पर्सन के लिए एकदम डिवोटेड हूँ। डिवोटेड हूँ तो मतलब आप हुए, डिवोट का मतलब होता है धार्मिक। किससे रिलेटेड वर्ड है, धार्मिक, रिलीजियस से रिलेटेड वर्ड है। अब आप सोचेंगे मैम रेवर्ड वर्ड, लॉयल वर्ड, रेस्पेक्टेबल वर्ड, मुद्दे की बात यह है कि सारे ही कुछ कुछ ऐसे नजर आ रहे हैं, रेस्पेक्टेबल धर्म से, जिसको आप डिवोट करते हैं उसकी रेस्पेक्ट करते हैं, तो आप कभी ये सोच लें। आप सोच लें रेवर्ड का मतलब क्या होता है, रेवर को रिलेट कर सकते हैं हम रिवर से, लिखिएगा यहां पर इंपॉर्टेंट वर्ड है रेवर, रेवर को रिलेट करिए रिवर से, और जैसे ही हमें रिवर याद आती हैं तो हमारे देश की सारी नदियां, और हम भारतवासियों के अंदर एक चीज है कि हम हमारी जितनी भी नदियां हैं उनको देवी की तरह पूजते हैं, है ना, गंगा
को भी ऐसे गंगा यमुना नर्मदा ताप्ती सबको हम पूजते हैं तो हम सबकी रेस्पेक्ट करते हैं। तो रेवर जो वर्ड है बच्चे इसका मतलब भी रेस्पेक्टेबल होता है। तो ये फर्स्ट और फोर्थ तो सिमिलर वर्ड है, रेस्पेक्ट ही है, ये भी रेस्पेक्ट है, ये भी रेस्पेक्ट है। अब हम सोचेंगे लॉयल होना, लॉयल क्या होता है, किसी के लिए लॉयल वफादार होना। एक वर्ड बच जाता है पायोस, जिसका मतलब होता है प्योरिटी से रिलेटेड, रिलेटेड पवित्रता से रिलेटेड। तो इसका मतलब ही यहाँ पर डिवोट है, रिलीजियस पवित्रता। दो तो आंसर हो नहीं सकते, फर्स्ट और फोर्थ को तो काट दो, और किसी के प्रति डिवोट का मतलब लॉयल नहीं पायोस होगा। ठीक है, सब अपना अपना चेक करते चलें आप कहाँ है। नेक्स्ट वर्ड का आंसर दीजिए मुझे, रेनाउन। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ रेनाउन? रेनाउन को याद करने का ट्रिक कर लीजिए, नॉन रेनाउन। अब क्या हो गया बंदा, नॉन हो चुका है, री नॉन, री नॉन सब जानते हैं उसके बारे में। तो नॉन का मतलब होता है जिसे सब जानते हो, तो जिसे सब जानते हैं वो पर्सन हो गया नॉन, और नॉन से बन गया रेनाउन। आंसर दीजिएगा अभी। अरे ट्रिक बता देती हूं फिर तो आंसर दिया करो। फेम, अच्छा जी फेम, अच्छा जी गुड। अरे वाह तुम तो इंटेलिजेंट हो गए। फेम देखो आ गया तुम्हें, तो इसका मतलब अगर हम थोड़ा सा ट्रिक से अप्रोच करें तो सब कोई आंसर दे सकता है, और सबने ठीक आंसर दिया है। फेम विल बी द राइट आंसर। रिनाउंड, आप रिनाउंड पर्सनालिटीज की बात करते हैं जिन्हें लोग जानते हैं। मुद्दे की बात ये नहीं है कि इसका आंसर फेम है, मुद्दे की बात एक और फंसती है। जब आप पढ़ाई करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं उस दौरान आपको सीखना है कि ऑब्सक्योर का मतलब क्या है। ऑब्सक्योर को देखिएगा, आपके कुछ वर्ड हैं कंफ्यूजन, ऑफ्यूस्केशन, ऑब्स्क्योर, कॉम्प्लेक्स, पजल, ये सारे वर्ड आपके एग्जाम में आते हैं, और इन सब का मतलब क्या होता है, कंफ्यूजन होता है। रिलेट करने के लिए देख लीजिएगा, अगर मैं बोलूं कंफ्यूजन तो फंस गया बंदा ऑब्फस्केशन में, देखिएगा इसमें फंस गया। अब जब ऑब्फस्केशन आपको याद हो गया तो ओबी से बनाइए ऑब्सक्योर, और तीसरा वर्ड कॉम्प्लेक्स, और लास्ट वन पजल। ये आप जानते होंगे कि पजल जो एग्जाम में आपके आती हैं या बैंकिंग या किसी भी एग्जाम में, तो वहां पर पजल किस लिए आती है, ताकि थोड़ा फंसा लिया जाए आपको, जिससे आप कंफ्यूज हो जाए। ठीक है, तो कंफ्यूजन से बनाइए ऑब्फस्केशन, ऑब्फस्केशन से बनाइए ऑब्सक्योर, ऑफस्केशन ऑब्सक्योर। तो इसका मतलब ये होता है कंफ्यूजन को, या फिर अनक्लियरनेस को बोलते हैं ऑब्सक्योरिटी, कंफ्यूजन। अच्छा जी विजडम, बुद्धि, इसका आंसर नहीं हो सकता। कंसीट का मतलब क्या होता है, कंसीट हो गया घमंडी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ती हूँ। क्वेश्चन ये है, जिस बैच की मैं बात कर रही हूँ वो 1 दिसंबर से शुरू हो रहा है। जो भी पर्सन वोकैबुलरी और कॉम्प्रिहेंशन एडवांस लेवल तक सीखना चाहते हैं, या फिर मेंस का आप एग्जाम अभी आपका अगर है, अगर आपने एसएससी अभी क्वालिफाई किया है, तो आप कोई भी इस एग्जाम को आज रात से ले सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा कंसाइज, कंसाइज का मतलब क्या होता है, साइज को कंसाइज कर देना, साइज को कंसाइज कर देना। राधिका बिल्कुल ले सकते हैं, मैं कितनी बार बोलती हूँ बेटे वोकैबुलरी का कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आप किस एग्जाम के लिए लें किसके लिए नहीं। आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मैं आपको कंप्लीट वोकैबुलरी पढ़ाती हूँ। मेरा मतलब बिल्कुल ये नहीं होता कि जस्ट बैंकिंग बैंकिंग कवर कर दो, नहीं, एसएससी एसएससी कवर कर दो, एसएससी का प्रीवियस ईयर पढ़ा दो, नहीं। जब मैं आपको वोकैबुलरी पढ़ाती हूँ तो मेरा मतलब वोकैबुलरी से है, तो लगभग आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की सारी वोकैबुलरी पढ़ाई जाए। ठीक है, बताइए कंसाइज का मतलब क्या होता है, साइज को कंसाइज कर देना। अगर मान लो आप लेने गए थे मार्केट से कुछ लेने गए, और साइज आ गया आपका एक्सेल डबल एक्सेल, तो फिर आप क्या कहते हैं, टेलर के पास जाते, साइज को कंसाइज करते, भाई थोड़ा छोटा कर दे इसको, बड़ा आ गया है। तो कंसाइज का मतलब होता है ब्रीफ कर देना, संक्षिप्त कर देना, छोटा कर देना। या फिर अगर आपको नहीं आता था तो देखिएगा डिटेल्ड, कॉम्प्लेक्स एंड लेंथी।
आप इन चीजों को, अब अगर आप इन तीनों वर्ड्स को ध्यान से देखें तो आपको नहीं लगता कुछ सिमिलर कहानी कहते हैं? किसी चीज को डिटेल्ड कहना, लेंथी तरीके से कहना, कॉम्प्लेक्स तरीके से कहना, अब आपको नहीं लगता इन तीनों के एंटोनिम है लाइक ब्रीफ या शॉर्ट में बोलना, कम शब्दों में किसी बात को कहना, उसे कहते हैं ब्रीफ। आंसर कंसाइज का होगा ब्रीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एग्जल्ट। एग्जल्ट का मतलब क्या होता है? सब अपना बच्चे, आप 1 दिसंबर से बैच ले सकते हैं, बीच में सिंध मत ज्वाइन करिए, पुराने बैच मत लीजिए, फिर कोई दिक्कत नहीं है। आंसर दिया ए फॉर एप्पल। अरे पिछला दे रहे हो, अगला दे रहे हो? बी टी, किसी का फोर एक्सट्रैक्ट करना, प्रेज करना। यस प्रेज आंसर होगा बच्चे। जो प्रेज आंसर दे रहे हैं वही ठीक आंसर दे रहे हैं। अगर मैं बताऊं इसको याद करने का, देख लीजिएगा, एग्जल्ट को मैं पढ़ाती भी हूं अगर आप मुझसे पढ़े हैं। रिजल्ट, अगर आपका रिजल्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी आता है, एग्जिट आ जाता है, मतलब बाहर आ गया और एक्स्ट्राऑर्डिनरी भी आ गया, तो सब आपकी क्या करते हैं? रिजल्ट अच्छा आता है तो सब आपका एग्जल्ट करते हैं। रिजल्ट एग्जल्ट, रिजल्ट एग्जल्ट। जब आपका रिजल्ट आउट होता है और अच्छा रिजल्ट आया तो सब आपकी प्रेज करना शुरू कर देते हैं। मेरे को तो पहले ही पता था लड़का कुछ बनेगा। अगर मान लो खराब आ गया, बचपन से ही ऐसा है, मैं तो पहले ही कहती थी ये तुम्हारा लड़का कुछ नहीं कर पाएगा, और अगर अच्छा आ गया तो सब जो आपको कंडम भी करते थे, निंदा करते थे, आपकी बुराई करते थे, वो लोग भी तुरंत प्रेज करने लग जाते हैं। आपका रिजल्ट, आपका सक्सेसफुल होना आपकी जिंदगी सेकंडों में चेंज कर देता है। पूरा समाज, सारे लोग, सारे दोस्त, आसपास जितने भी लोग हैं, उन सब की स्टेटमेंट चेंज हो जाती है आपकी वो सेकंड, जब आपका रिजल्ट आता है। और रिजल्ट ऐसे ही पॉजिटिव नहीं आ सकता, उसके लिए आपको शिद्दत से एफर्ट करना पड़ता है, ठीक है, मेहनत करनी पड़ती है। सही कह रही हूँ मैं? हाँ जी सही कह रही हूँ मैम, आप ऐसा ही होता है। कंजम का मतलब होता है, सुना होगा आपने, बुराई करना, निंदा करना, ऐसे से रिलेट कर लीजिए आप, चैलेंज करना नहीं होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका मैमोथ। मैमोथ का मतलब बताइएगा मुझे, मैमोथ का मतलब क्या होता है? गिगेंटिक होता है, कि आप बोले कि जिजेंटिक से रिलेटेड वर्ड है। जिजेंटिक को मैं रिलेट कराती हूं आपको, एक बार इसको गगन पढ़ लीजिएगा। गगन, गगन कैसा है? विशाल है। देखिएगा मिनी, माइन्यूट, माइन्यूट हो या मिनी स्कल हो, माइनस्कल हो, देखने में लग सकता है यार ये क्या कहानी आ गई, कुछ नहीं कहानी आई यार, मिनी स्कल माइनस्कल दोनों का मतलब छोटा होता है। जस्ट अगर मैं बोलूं इनको छोटा तो बस काम चल जाएगा। मिनिमम, मिनिमम माने कम, तो माइनस्कल एंड मिनस्कल वर्ड भी रिलेटेड किससे होते हैं? छोटे से होते हैं। अगला वर्ड है पेरिलस, ध्यान दीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। अगर मैं प्रीवियस ईयर कराती चली जाऊं तो आपको पेरिल वर्ड ही बहुत बार मिल जाएगा। याद कैसे करना है, ट्रिक समझ लीजिए। पैर इल, पैर हो गया इल, पैर इल, पैर की एक बीमारी, आपने सुना होगा हाथी पांव, अगर पांव सूज जाता है, मोटा सा हो जाए तो कहेंगे बीमारी हो गई है, पैर इल हो गया है, और वो सूजन बढ़ती 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 बॉडी में चली जाती है। हाथी पांव नाम की बीमारी आपने सुनी होगी। आप मुझे मुझे बताइए पैर इल होना कैसी सिचुएशन है? इज इट डेंजरस? भाई पैर इल हो गया, इतना मोटा हो जाता है पांव, उसके बाद इन्फेक्शन बढ़ने लग जाता है, तो पैर इल होना भी सिचुएशन है डेंजरस। तो पैरिलस का मतलब होता है डेंजरस। इससे रिलेटेड आपको तीन वर्ड आते हैं एग्जाम में, एक तो पैरिल, दूसरा आता है बच्चे इम्पैरल, एक आता है पैरिल, एक इम्पैरल और एक पैरिलस, तीनों का मतलब होता है डेंजरस। क्या होता है? डेंजरस होता है, राइट? आंसर दे दियो आप, सेकंड आंसर होगा डेंजरस, आंसर होगा रिस्की होगा, नहीं नहीं क्या बोले जा रहे हैं जी। खुशबू पाटिल, शायद आप मेरी स्टूडेंट हैं, फिर अगर आप सेम ही जो मैं ट्रिक बताती हूँ
वो आप लिख रही हैं, लिख पा रही हैं मेरे बताने से पहले ही? क्यों, ऐसा है क्या? ए विल बी द राइट आंसर. चलिए ठीक है, ए ही आंसर होगा. इससे बाद मैं चौथा आंसर बता देती हूँ. मैग्निफिसेंट. मैग्निफिसेंट का मतलब क्या होता है? मैग्निफिसेंट होता है शानदार. इसे आप नॉर्मली इस वर्ड को यूज़ करते हैं कि यार वो चीज़ बहुत मैग्निफिसेंट है, वो बिल्डिंग बहुत मैग्निफिसेंट है, वो पर्सन बहुत मैग्निफिसेंट है. या फिर रिलेट करने के लिए मैग्ना तो एक रूट वर्ड है बड़े का, तो जो चीज़ बड़ी है तो उनको आप मैग्निफिसेंट शानदार कह लीजिए. या फिर बिल्कुल याद नहीं हो रहा तो मंगनी का कार्यक्रम शानदार रखते हैं लोग, है ना? तो मंगनी मैग्निफिसेंट हुई, शानदार हुई, बढ़िया हुई. तो अब आप सोचेंगे आंसर क्या था. आंसर मैमोथ, मैम का माउथ, मेरा नहीं किसी और मैम का, है ना? मैम का माउथ बहुत बड़ा है, विशाल है, बड़ा, बड़े से मुंह की है मैडम, है ना? आपकी कोई मैम ऐसे याद कर लीजिए. दो मिनट याद करना है, मेरा किसी को किसी मैडम की बुराई करना नहीं है मेरा मतलब, जस्ट मैं तो आपको याद करा रही हूँ. मैमोथ, मैम का माउथ. मैम का माउथ कैसा है? बड़ा है. तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा आपका जेंटिक. नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए. टेसिटॉन. क्वेश्चन है आपके सामने टेसिटॉन. टेसिटॉन का मतलब क्या होता है? पहले मैं बता दूं, डिलिजेंट होते हैं, मेहनती. दिल्ली के एजेंट कैसे हैं? मेहनती हैं. टॉकेटिव, बहुत बोलने वाले, बहुत बोलने वाले, जो बहुत टू मच बोलते हैं. नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, नेक्स्ट वर्ड है रेटिसेंट. रेटिसेंट का मतलब होता है रहती है. क्या रहती है? शांत रहती है. तो रहती है, शांत रहती है. तो रेजिसेंट का मतलब होता है शांत रहना, कम बोलना. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वर्ड है लॉडेबल. लॉडेबल को रिलेट करिए आप लाड़ लड़ाना. लॉडेबल का मतलब होता है एक्स्ट्रा प्रेज कर देना. जैसे लाड़ लड़ाती हैं अपने बच्चों को, जिनके एक सिंगल चाइल्ड एकोलेट करने का काम करती हैं, कि उनको बार बार उनकी प्रेज करते रहना कि मेरा बच्चा तो ऐसे करता है, आज तो सुबह ऐसे बोला था, उसने ये किया था. तो हर टाइम वो, हर टाइम क्या करती रहती हैं? माएँ अपने बच्चों को लाड़ लड़ाती रहती हैं, उनकी प्रेज करती रहती हैं. तो लॉडेबल का मतलब होता है प्रेज के योग्य. अब क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन था टेसिटॉन. टेसी एक रूट वर्ड है, टी ए सी. इसका मतलब ही होता है चुप. तो आंसर अगर आप लोगों ने दिया हो टेसिटॉन का, क्या आंसर दिया है? शांत हो जाओ. यस, वेरी गुड, आंसर बिल्कुल सही है. जिन बच्चों ने भी टेसिटॉन का आंसर रेटिसेंट दिया है, बहुत सही आंसर दिया है. शासन पॉम्पस है, ठीक है, तो बता दिया करो सेशन पॉम्पस है. ये लाइक का बटन इसीलिए दिया है ताकि मुझे पता लग जाए कि सेशन पॉम्पस है या नहीं है. चलिए अपना अगला आंसर समझ में आया. टेसिटॉन, टेस एक रूट वर्ड है बच्चे, किसके लिए? कम के लिए. कम शब्दों में किसी बात को कम बोलना, है ना, किसी का कम बोलना. जैसे कि रहती है एक शांत, एक लड़की है जो रेटिसेंट है, कम बोलती है, तो कम बोलने से रिलेटेड आप क्या बोलेंगे? रेटिसेंट. ठीक है, सुपर ऑब्सेशन है. ओके, अगला बोलिएगा. क्वेश्चन का आंसर दीजिए मुझे. 13 नंबर बताइए. आपसे सिनोनिम पूछा है डेफर. डेफर का मतलब क्या होता है? डेफर का मतलब क्या है? अब आप इसको रिलेट करिएगा. जो लोग होते हैं डेफर, वो हर काम को टालते रहते हैं, टालते रहते हैं, टालते रहते हैं, क्योंकि वो कैसे हैं? डफर हैं. डफर हैं, कर तो सकते नहीं, है ना, करने की तो हिम्मत नहीं, तो वो हर काम को डिले करते रहते हैं, कम करते रहते हैं. तो आंसर तो आपका डिले होगा, जो कि आप में से बहुत सारे बच्चों का आंसर भी है. तो अपने आप एक नंबर और बढ़ा लीजिए. ठीक है, अगर अब आप ऑप्शन की बात करूं तो ड्रैड का मतलब क्या होता है? ड्रैड का मतलब होता है लाइक डेड, डरावना. ड्रेड को से रिलेट करेंगे ड्रेडफुल. डेडपूल एक मूवी भी देखी होगी आपने, उसको रिलेट करिए डरावने से. ड्रेड का मतलब डरावना. नेक्स्ट डिस्टिल. डिस्टिल का मतलब होता है जैसे आप बोलते हैं डिस्टिल्ड वाटर, मतलब कि प्योर वाटर. डिस्टिल का मतलब क्या हुआ?
प्योर हुआ. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वर्ड डिक्टेट करना. डिक्टेट करना बचपन में जैसे सर या मैम आपको डिक्टेट करते थे, बोलते थे बुलवा के, बोल कर एज इट इज लिखना, उसे कहते हैं डिक्टेशन. बोलने को बोलते हैं डिक्टेट करना. पर हमें पता है डफर लोग तो हर काम को क्या करते हैं, डिले करते रहते हैं, टालते रहते हैं. तो डफर का मतलब होता है बच्चे टालना. जिसका ठीक है वेरी गुड, जिसका नहीं ठीक है अगला ठीक करने का ट्राई करें. ड्रैड का मतलब क्या होता है, ड्रैड को आप रिलेट करिए डेड से. डेड मतलब डरावना, मरे हुए लोगों से डर ही तो लगता है, तो ड्रैड का मतलब डरावने से रिलेटेड है. ठीक है. अच्छा खुश दिल मैम आपका पुराना पाटिल जी. अच्छा कुशल, कुशल ओके. मैं आपका पुराना स्टूडेंट हूँ मैम इसलिए आता है. ओके ठीक है ठीक है. हाँ मैं वो समझ गई थी कि आप मेरे स्टूडेंट ही होंगे, क्योंकि सेम ट्रिक या तो कॉपी करने वाले फॉलो कर सकते हैं या फिर स्टूडेंट हैं तो फिर आप मुझसे पहले से पढ़ते हैं इसलिए आप कॉपी कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखें. क्वेश्चन है आपका बैफल. बैफल का मतलब क्या होता है, बैफल मतलब कि जैसे अगर, जैसे कई बार बफेलो, बफेल को मैं रिलेट करवाती हूँ बफेलो से. बफेले बफेल गाँव गाँव में आपने देखा होगा, जैसे भैंस गाय जैसे पानी पिलाने के लिए, अगर आप गांव से हैं तो, हो सकता है आप लोग सब शहर से हो हैं, अगर कोई गांव से हैं तो मुझे बताइएगा कि यस मैम गांव से हैं. मैं बेसिकली गांव से हूँ. तो वहाँ पर क्या होता है, बफेलो उसको पानी पिलाने के लिए तालाब वगैरह पर ले जाते हैं, है ना. और फिर अगर आते हुए कई बार भैंस खो जाती है, कई बार भैंस खो जाती है, चकरा जाती है, कंफ्यूज जाती है कि मेरे मालिक का घर कौन सा था. आते हुए अगर आपसे छूट गई वहां पर तो बफेलो कंफ्यूज हो जाती है, चकरा जाती है, समझ ही नहीं आता उसको, अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाती. अरे वाह इतने सारे लोग गांव से हैं क्या. अच्छा जी मैं भी हूं ना, मेरा भी ऐड कर लो इसमें थम्स अप. बहुत सारे लोग हैं बेसिकली, तो हम सभी कहीं ना कहीं गांव से हैं, कुछ ही लोगों को छोड़कर. क्योंकि अगर पुराने उसमें जाऊं एंसियंट तो गांव से ही शहरों के अर्बनाइजेशन का प्रोसेस शुरू हुआ, तो कहीं ना कहीं तो सब गांव से हैं. अब मैं अगर अब इंदौर रहती हूं तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मैं गांव से नहीं हूं, मैं तो एकदम गांव से हूं एंड सब कुछ अब पता है मुझे सब कुछ. हाँ शुरू हो गए तुम. तो मैम आप कौन से गाँव से हैं. मैं हरियाणा के एक छोटे से गाँव से हूँ. कोई अगर इंग्लैंड से हैं तो वो भी बता दें, है ना. बफेलो, अब मैंने बोला बफेलो कंफ्यूज हो जाती है तो सरप्राइज तो नहीं होती मैम बफेलो, ठीक है. कॉम्प्लेक्स भी नहीं होती, कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं होती. डिसीव माने होता है धोखा, और बिवाइल्डर का मतलब होता है वाइल्ड हो जाना. वाइल्ड हो जाना मतलब कंफ्यूज हो जाना. तो मैंने बोला था आंसर बताएं, तो आंसर किसी ने नहीं बताया, पर ठीक है आंसर होगा ऑप्शन नंबर टू. बैफल का मतलब होता है बिवाइल्ड, मतलब कि जंगली सा हो जाना. जंगली सा मतलब ऐसा बिहेव करना, कंफ्यूजन वाला, इरिटेटिंग वाला, समझ ही नहीं आ रहा, चकरा गया दिमाग, चकरा गया है आपका कंप्लीटली. तो आंसर आपका टू होगा, नॉट सरप्राइज, नॉट कॉम्प्लेक्स, नॉट डिसीव. डिसीव का मतलब होता है रिसीव करने की बजाय डिसीव, धोखा. मैं इंग्लैंड से हूं. हाँ तू इंग्लैंड से आता है तभी तो मेरे से पढ़ रहा है. मैम आप अपना एड्रेस भेज दीजिए. क्यों क्या भेजेगा मेरे लिए, कुछ गिफ्ट विफ्ट भेजना है क्या. धोखा, यस डिसीव माने धोखा. रिसीव करने के चक्कर में हो गया डिसीव, सही इंसान को रिसीव करने की बजाय किसी और को उठा लाए तो उसे कहेंगे डिसीव हो गया, कि मुझे धोखा हो गया, है ना. गेहूं के खेत देखे हैं क्या, बताओ. गांव से हूं मुझे गेहूं के खेत नहीं देखेगा, मैंने सब कुछ देखा है, मक्की, गेहूं, ज्वार, बाजरा, चावल, धान जिसे आप कहते हैं, कॉटन, कपास जिसे आप कहते हैं. तो आई नो एवरीथिंग. मेरे फादर फार्मर थे तो कैसे नहीं पता होगा. हाँ कैसी कैसी बातें करते हो मैम, आपने कभी खेत देखे हैं, ऐसी बात कर रहे हो. चलो देखो
रैप्यूजिएट, रैप्यूजिएट का मतलब क्या होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अपना आंसर भी दीजिएगा मुझे, रैप्यूजिएट का मतलब क्या होता है? हाँ मैडम मुझसे बात कर लो, तेरे तेरे नंबर दे दे अपना, तेरे से ही बात करूंगी। रिनाउंस, सैंक्शन, रिग्रेट या एनफोर्स। मैं मीनिंग बता देती हूँ। सैंक्शन करना तो ये होता है कि अलाउड कर देना, अलाउ कर देना, कुछ ग्रांट वगैरह अलाउ कर दिए ऐसा। रिग्रेट करना लाइक पछतावा। एनफोर्स का मतलब जैसे कि बल देना किसी पर, फोर्स से ही बना है। अब हम देखेंगे रिनाउंस का मतलब क्या होता है। आप समझिए, अगर कोई करता है पहले तो करता है अनाउंस, पहले करता है अनाउंस। जस्ट लाइक कि मैंने अगर अनाउंस किया था कि मैं सैटरडे को रात को 9 बजे क्लास लूंगी, ये मैंने अनाउंस कर दिया, उसके बाद मैंने अपनी ही बात से रिनाउंस कर दिया। अपनी ही बात जो मैंने अनाउंस की थी उसको मैंने छोड़ दिया, त्याग दिया, बदल दिया। रिनाउंस मतलब बदल दिया, तो उसे कहेंगे रिनाउंस, तो बदल देना। अब मुझे बताइएगा, जब अपनी कोई स्टेटमेंट रिनाउंस करता होगा, बदल देता होगा, तो उसकी रेपुटेशन खराब होती होगी या नहीं होती होगी? रेपुडिएट हो जाता होगा वो, तो रेपुटेशन तो उसकी खराब हो जाती होगी। तो रेपुडिएट का मतलब होता है कि उसने रिनाउंस कर दिया, अपनी बात से मुकर गया, इसलिए उसकी रेपुटेशन रेपुडिएट हो गई है। रिनाउंस करना, रेपुडिएट करना, आज तक ये वर्ड 3-4 बार एग्जाम में आ चुका और हर बार इसको ऐसे ही पूछा जाता है। रेपुडिएट, रिनाउंस, कोई अगर अपनी बात से मुकर जाता है तो उसकी रेपुटेशन खराब हो जाती है। तो मुकर जाना वर्ड हो गया आपका, अपनी बात से बदल जाना, रेपुडिएट, रिनाउंस कर देना। आंसर सबने ठीक दिया था क्या? वेरी गुड, जिसने ठीक आंसर दिया था बहुत बढ़िया। और अपना एनर्जी लेवल बरकरार ऐसे ही रखना है, और जब तक एग्जाम नहीं हो जाता किसी का, अगर 1 महीने बाद एग्जाम है तब तक, 2 महीने बाद, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, किसी का अगर टारगेट अगले 7-8 महीने तक भी है, तो उसकी एनर्जी एकदम स्टडी होनी चाहिए, मतलब कि कांस्टेंट होनी चाहिए, डेली होनी चाहिए, हर टाइम होनी चाहिए। अगर ये उतार चढ़ाव है ना आपकी एनर्जी में, तो आप कहीं ना कहीं लैक कर जाएंगे, क्योंकि कंपटीशन इस हिसाब का नहीं, आपके हिसाब से नहीं चल रहा। बहुत सारे लोग आपको कम्पीट करने के लिए दिन रात एक करके बैठे हैं, उन सबको आपको कम्पीट करना है, तो ऐसे काम नहीं चल सकता। आज पढ़ लेता हूँ, कल नहीं पढ़ूंगा, अरे आज मैं थक गया, आज मैं सो जाता हूँ, नींद बहुत आती होगी। आपकी मर्जी है, या तो अभी सो लीजिए या फिर बाद में चैन से सो लीजिएगा, है ना। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए मुझे। विंडिकेटिव, विंडिक्टिव का मतलब क्या होता, सॉरी विंडिक्टिव, विंडिक्टिव का मतलब क्या हो गया? वी इंडिकेट, हम किसी को ऐसे इंडिकेट करते रहते हैं, इसने ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, इसने तो उस दौरान ये किया था, पता है इनके घर पे तो ये हो रहा था, सारा दिन अगर हमारा इंडिकेशन। बट नेगेटिव सेंस में, नेगेटिव सेंस में जब हम किसी की तरफ इशारा करते रहते, तुझे तो मैं देख लूंगा, है ना, इंडिकेशन दे दे, तुझे मैं वार्निंग दे रहा हूं, मैं तुझे इंडिकेट कर रहा हूं, मेरे रास्ते में बताया कर, मेरी गाड़ी के हाथ मत लगाया कर, मेरी साइकिल पे हाथ क्यों रखा तूने, तो ये लड़ाइयां सारा दिन होती रहती। या फिर महिलाएं, कि उसने हमारा कचरा हमारे घर से ही आगे मत निकाला कर, तो लड़ाइयां तो होती रहती हैं। तो इसे कहते हैं रिवेंजफुल, जब हम किसी की तरफ ऐसे इशारा करते हैं ना, ऐसे इशारा करके, इसका मतलब हम उससे क्या चाहते हैं, बदले की भावना है हमारे अंदर, तो उसे कहते हैं बच्चे रिवेंजफुल। विंडिक्टिव का मतलब होता है रिवेंजफुल। अब आपको आंसर था आपका बेट्रे, बेट्रे भी बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, बेट्रे का मतलब होता है धोखा देना, याद करने के लिए देख लीजिएगा। बेट्रे, फोन की जो बैटरी है ना, फोन की बैटरी, एंड टाइम पर धोखा दे जाती है। आपने देखा होगा, मूवी वूवी देखते हैं हम, सीरियल वीरियल देखते हैं, तो मतलब ऐसे टाइम पर जानबूझ के, मतलब जब बहुत जरूरी होता है ना, हीरो का हीरोइन को फोन करना, उस दौरान तो जरूर बैटरी ने चले ही जाना है ना, तो ओ शिट, फोन में बैटरी भी नहीं है, तो ऐसा कुछ होता है, तो उससे आप रिलेट कर सकते हैं। बैटरी भी, फोन की बैटरी भी, एंड टाइम पर क्या दे जाती है, डिसीव कर जाती है, धोखा दे जाती है। ठीक है, आपकी ने दिया कभी धोखा?
मैम आप बहुत अच्छे से पढ़ाती हैं, सब याद हो रहा है। ऐसा बोलूं कि 16 16 तो आपको दिखाई आ रहा होगा, लेकिन लगभग आपने 80 वर्ड निगाहों में से निकाल लिए अभी। तो 80 के 80 वर्ड्स को अगर आप एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं कि नहीं मुझे समझ में आ रहे हैं, तो इसका मतलब आप सही जा रहे हैं। ये लाइक की संख्या रुक जाती है, इसका मतलब मैं सही नहीं जा रही क्या? अरे ये बताते रहा करो, समझ आ रहा है नहीं आ रहा? स्पीड को तो कुछ ऐसा नहीं कि आराम से पढ़ाएं। आज देखिए सुपर मैराथन मैं इसीलिए लेके आई हूँ कि प्रैक्टिस के दौरान भी आप सीख सकते हैं। प्रैक्टिस का मतलब ये नहीं होता कि आप सही आंसर ढूंढें, सही आंसर के अलावा जितने भी ऑप्शन हैं उनको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। जब आप एक वर्ड करते हैं तो आपको 5 वर्ड पढ़ने हैं, तो पांचों को दिमाग में रखना है तभी सही आउटपुट निकल आती है, वरना नहीं। चलो देखो विंडिक्टिव का आंसर तो आ गया आपका रिवेंजफुल। जिसने भी ठीक आंसर दिया है उसके लिए लाइक, लाइक का बटन अपने अपने फोन में प्रेस कर लीजिए, और नहीं दिया कोई बात नहीं, उसके लिए नेक्स्ट। फोर्सफुल नहीं होता, हेल्पफुल नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बैटरी ने दे दिया धोखा, तो बिट्रे का मतलब धोखा देना, विंडिक्टिव का मतलब रिवेंज, बदले की भावना, बदला, रिवेंज बदले लेने के लिए बोला जाता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड है पेंसिव। पेंसिव या बताइएगा मुझे पेंसिव का मतलब क्या होता है? कई बार आप क्वेश्चन करते करते पढ़ते रहते हैं फिर कोई मैथ्स का क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो पेन लेकर मुंह में सिर पर, ये पेंसिव सिचुएशन क्रिएट हो जाती है जब आप पेन को सिर में मारने लग जाए, मुंह में दे लेते होंगे आप तो, है ना? तो पेंसिव होता है थॉटफुल कंडीशन, जब आप एक्सट्रीम थिंकिंग में चले गए हैं, सोचे जा रहे हैं, क्वेश्चन आ नहीं रहा, तो आप बोलेंगे क्या आंसर होगा पेंसिव का? अरे अब तो सारे लिख दो, पेंसिव का मतलब क्या होगा? पेंसिव का मतलब होगा मैम डी नहीं, फैशनेबल नहीं होगा, पेंसिव। फैंसी नहीं बोला मैंने, पेन बोला, पेन। जब आप पेन को मुंह में चबाते हो ना, सही आंसर आप ही देंगे। बहुत सारे बच्चे तो ठीक आंसर दे रहे हैं, कुछ कुछ जो फैशनेबल कह रहे हैं उसे चेंज करिए, जब बता रही हूं उसके बाद तो चेंज करिए। पेंसिव सिचुएशन, थॉटफुल सिचुएशन, जब आप सोचते ज्यादा है तो उसे कहते हैं पेंसिव। अब मैं आपको बताती हूँ फेड, फेड मतलब क्या है, फेड को समझिए। फेड मतलब होता है फटी हुई, है ना? आजकल जींस वींस लाते हैं बच्चे और उनको जानबूझ के खुद ही फाड़ वाड़ लेते हैं, कट वट कर लेते हैं, आपने भी किया होगा ऐसा, क्योंकि वो जो फटी हुई जींस है ना वो फैशन में है, फैशन में है फटे हुए कपड़े, जिसे आप रग्ड कहते हैं, है ना? तो उस रग्ड को कहते हैं इंग्लिश में एफएडी फैड, ऐसे रिलेट करना है हमें। एफएडी फैड का मतलब होता है फैशनेबल। फैड का रिलेशन किससे है? फैशन से रिलेटेड है भाई, और याद करने के लिए बहुत आसान है। आजकल बच्चे अपनी जींस भी फाड़ फाड़ के पहनते हैं और फिर कहते हैं, अगर मम्मी पापा बोले कि तू ये क्या कर रहा है, बोले कि तेरी पैंट फटी, अरे मम्मी फैशन है रग्ड जींस का, राइट? हाँ मैं भी तो पहनती हूँ, मैं भी पहनती हूँ, ठीक है, मैं भी रग्ड पहनती हूँ। हर बात को मैम आप भी पहनती हो क्या रग्ड जीन्स? देवांशु वो मुझे नहीं पता, सॉरी। फैड मतलब फैशनेबल। अच्छा क्या स्टैगर बता रहे हो? स्टैगर भी बता देंगे, आप उससे तेज चल रहे हैं बेटे, मुझसे सीख सीख के मुझसे तेज, वेरी गुड। चेला गुरु से भी आगे, सही है, सही जा रहे हो, मैं भी यही चाहती हूँ आप मुझसे बहुत आगे जाएं। चलो स्टैगर को याद करेंगे, स्टैगर हंस लिए, बहुत हंस लिए ना, चुप हो जाओ। चलो स्टैगर को याद करो, रॉयल स्टैग। रॉयल स्टैग एक शराब का नाम है, रॉयल स्टैग, रॉयल स्टैग सुना होगा, बॉयज तो मैक्सिमम जानते होंगे, खैर आजकल लड़कियां भी वंचित नहीं है तो वो भी जानती होंगी। रॉयल स्टैग एक शराब है, अगर किसी ने रॉयल स्टैग की पूरी बोतल पी लिया, रॉयल स्टैग पी ली, तो उसके कदम क्या करेंगे? स्टैगर हो जाएंगे। स्टैगर का मतलब होता है लड़खड़ाना, तो अगर मैं स्टैगर का मतलब आपको लड़खड़ाना लिख दूं तो आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए और वर्ड याद भी हो जाना चाहिएगा। मुझे बताइए स्टैगर का मतलब क्या होता है? लड़खड़ाना। एफ ए डी फैड का मतलब होता है फैशनेबल, और फैशनेबल तो ये सिनोनिम ही हो गया, राइट?
तो सही आंसर जो था हमारा वो तो सही आ गया होगा, आपका पेंसिव तो थॉटफुल होता है, वो तो आपका सही आंसर था। इसके अलावा भी आपको सीखना पड़ेगा कि ऑप्शन में क्या है। मैं कभी भी एक क्वेश्चन नहीं कराती आपको, एक के साथ मेरा मकसद है 5। अगर आप 17 कर चुके हैं तो आपको 85 वर्ड्स दिमाग में सेट होने चाहिए। अगर आप एक से एक ही सीखेंगे तो आप सही रास्ते पर नहीं जा रहे, फिर आप पढ़ाई में कमी है और सिलेक्शन में भी फिर आप कहेंगे मेरे से सिली मिस्टेक हो गई, क्योंकि हो गई प्रॉपर नहीं पढ़े थे। कम पढ़ो लेकिन शिद्दत से और कंप्लीट पढ़ो उसे, ठीक है। मैम आप बस मेरा ही नाम नहीं लेती, बच्चे थोड़ा सा गलत लिख रहा है, खूबसूरत पढ़ाती हूं ये थोड़ा ठीक वर्ड नहीं है, कुछ और यूज कर। एक काम किया करो तुम ना, मुझे मैसेज कर दिया करो कल को ना, मैम प्लीज मेरा नाम तो जरूरी लेना, जैसे खफा होने की कोई जरूरत हो ना। मैम आप बस मेरा ही नाम नहीं लेती, आज पूरी क्लास में मैंने किसी का नाम लिया है? जो गुस्सा हो, आप गुस्सा नहीं करते कभी भी? करती हूँ गुस्सा मैं, इनसे पूछ के देखो, ये ओशन गुरुकुल ऑफलाइन वाले बच्चों से ज्यादा नहीं करती, आता ही नहीं वो थोड़ी देर बाद फिर अपने आप। हाँ अभी लेती हूँ, ठीक है। शंकर ठीक है, खुश, शीतल, ये डिफेंस वाले, ओके चलो। तीन तीन हर एक बार ना दो तीन का नाम ले दिया करूंगी, इतना परेशान हो जाते हो छोटी सी बात के लिए। अगला देखो, क्वेश्चन का आंसर दो, मुद्दे की बात करो। प्रिकेरियस, प्रिकेरियस का मतलब क्या होता है? प्रीकेरियस, प्रिकेरियस का मतलब क्या है? आंसर दो भैया, जिस चीज को पहले से ही केयरफुल होने की जरूरत हो ना, मैं प्रीकेरियस, जैसे हम कहते हैं इस रास्ते पे जरा बेटा ध्यान से जाना, ये ध्यान से कदम रखो, ऊपर से आराम से उतरना, इसका मतलब जब हम हमें कोई पहले से ही कहता है ना कि ध्यान से, इसका मतलब कोई ना कोई खतरा है। तो प्रीकेरियस का मतलब होता है बच्चे खतरा, तो प्रीकेरियस का मतलब डेंजरस। सेकेंड विल बी द राइट आंसर, ठीक है। ये ट्रिक कहाँ से लाती हैं? बनाते हैं हम, है ना, और बनाते बनाते अब आदत हो चुकी है। अब आप कोई भी वर्ड भी मुझे भेजोगे ना, मैं किसी चीज की बना देती हूँ अब, क्योंकि मैंने ऐसा पाया, ऐसा महसूस किया कि अगर आप डायरेक्ट डायरेक्ट ऐसे याद करेंगे ना, प्रिकेरियस का मतलब डेंजरस, प्रिकेरियस मतलब डेंजरस, प्रिकेरियस मतलब डेंजरस, याद ही नहीं होना, इम्पॉसिबल है। और अगर ज्यादा से ज्यादा हो भी गया तो 5-10 दिन होना, फिर उसके बाद आपने 11वें दिन भूल जाना, तो कब तक आप रिवाइज करते रहे? लगभग 5-6 हजार आपको वो कैप पढ़ के जानी है, तो कैसे याद रखोगे? हो जाएगी ना इम्पॉसिबल। पर अगर आपने एक वर्ड को पढ़ते हुए 2 मिनट दे दी अपनी जिंदगी की, तो ठीक हो जाएगा मामला। अगर आपने इस वर्ड को ऐसे सीख लिया होता, प्री केयर, जब हम कहते हैं भाई ध्यान रख, आराम से कर, ये कर, इसका मतलब प्री केयर, पहले से ही हम केयरफुल होते हैं उस चीज के लिए, जो चीज क्या हो, डेंजरस हो, तो सेकंड विल बी द राइट आंसर। बहुत सारे बच्चे आप आंसर दीजिए ना, बाद बाद में करेंगे। कल संडे है, और कल संडे आपकी 9 से 11 लाइव क्लास रहेगी मॉर्निंग में ग्रामर की, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कल संडे जरूर है, पर सर अपना संडे भी पता नहीं क्यों मैं नहीं लेती भाई, मैं संडे को कभी क्लास नहीं लेती, मैं अपना संडे नहीं काम में नहीं दे सकती। संडे तो कम से कम ऐसा होना चाहिए जिसमें हम कुछ डिफरेंट, जो 6 दिन कर दे 7वां नहीं, पर हाँ सर को काम के अलावा कुछ सोचता ही नहीं। तो 9 से 11 कल आपकी ग्रामर की क्लास रहेगी, ठीक है। अगला वर्ड समझ गए, पहला वर्ड देखेंगे अबंडेंट। अबंडेंट होता है भरपूर मात्रा में। याद करने के लिए बता दूं, याद कैसे कर सकते हो, आ प्लस बंधन, बंधन नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, तो भरपूर मात्रा में तो हो गया, पर्याप्त हो गया, सफिशियंट हो गया, काफी हो गया।
अबंडेंट, अब बंधन नहीं है, बंधन नहीं है तो पर्याप्त है, काफी है, कोई लिमिट नहीं है कि तेरे को कितना खाना है, एक समोसा, दो समोसा, चार, आठ, बारह, बीस, जिस जिसका जैसा जैसा भी पेट गवाही देता हो वैसा आप खा सकते हैं। तो उसे कहते हैं काफी समोसे रखे हैं, जितना मन करे उतना खा ले, कोई बंधन नहीं है। तो अबंडन का मतलब होता है पर्याप्त या फिर काफी। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे वैल्यूएबल, तो ठीक है आपको पहले से आता होगा, प्री मैच्योर, अविकसित, जैसे आ हम सुनते भी हैं प्री मैच्योर बेबी, तो प्री मैच्योर का मतलब हो गया पूर्णतः कोई चीज डेवलप्ड नहीं है, अंडर डेवलप्ड है, तो उसे कहते हैं प्री मैच्योर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फ्यूरी, फ्यूरी का मतलब क्या होता है? फ्यूरी का मतलब होता है जब इंसान फरी सिचुएशन में आता है, नॉट सोरो, नॉट क्रुएलिटी, नॉट फ्राइट, हम बोलते हैं इसे फरी सिचुएशन कैसी है, फ्यूरियस। जैसे आप बोलते हैं फास्ट एंड फ्यूरियस एक मूवी है, सुना है ना, फास्ट एंड फ्यूरियस, तो उसमें क्या है, फ्यूरियस का मतलब होता है ऐसा स्वभाव, एकदम उग्र, गुस्सैल वाला, है ना, फ्यूरियस। हम कोई इन्वायरमेंट या किसी पर्सन कहते हैं यार ये तो बड़ा फ्यूरियस टाइप का है, तो फ्यूरियस का रिलेशन हो गया बच्चे किससे, गुस्से से रिलेटेड है, सोरो, क्रुएलिटी, फ्राइट से नहीं। तो आंसर होगा आपका एंगर, याद रखेंगे फास्ट एंड फ्यूरियस से, तो एंगर, पूरा एंगर भरा हुआ होता है उसमें, तो फ्यूरी का मतलब क्या होता है, एंगर। चलिए जिसका सही आंसर है सही है, जिसका नहीं है तो अगला, अब तो ठीक बता देना। अब ऐसा है कि अगर तुम 1700 1800 जितने बच्चे भी देख रहे हैं, 1800 के 1800 एक बार आंसर कर दो, इसका मतलब मैं समझ जाऊंगी कि आप पूरी क्लास देख रहे हैं, क्योंकि ये तो रिपीट हो गया और ये मैंने रिपीट नहीं किया, एग्जाम में आया हुआ होगा, सीधी पीडीएफ उठाई गई है कंपाइल करके, गलती से आ गया होगा, वैसे कोशिश की होगी कि दो बार ना हो। रहती है शांत, यस, चलो इसका मतलब ये है, और जिस जिसको आ जाए वो थम्स अप कह दे मुझे, यस मैम आ गया, रेटिसेंट पिछली बार नहीं आता था जिसे, उसे भी इस बार आना चाहिए। ये चार्ट रेट है ना, ये 400 500 मुझे नहीं चाहिए, ये मेरे को जितने तुम लाइव उतना ही चाहिए, कुछ तो मेरे लिए भी हो। बस मेरे लिए दो ही चीजें, एक तो लाइक का बटन जिससे मुझे अच्छा लगे कि हाँ मैंने जो पढ़ाया आप लोगों को समझ में आया, आपको उससे कुछ बेनिफिट हुआ है ना, आपकी पढ़ाई में आपने कुछ चीजें जिसे आप टफ कहते हैं वो भी मैं आपको आसान बना के सिखा पाई, और दूसरी चीज जब आप ये चार्ट रेट में मेरे को आंसर देते हैं ना, तो उससे भी मेरे को शांति मिलती है कि आपको आ रहा है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सबका आंसर ठीक है। रेटिसेंट का मतलब होता है साइलेंट। अब मुद्दे की बात यह है कि हमें इन तीन वर्ड्स को भी नहीं छोड़ना बच्चे, साथ के साथ लेके चलना है। वर्ड देखेंगे गैरुलस, गैरुलस को रिलेट करें गर्ल, गर्ल कैसी होती हैं, गर्ल होती हैं टॉकेटिव, कैसी होती हैं टॉकेटिव, याद करें गैरुलस का मतलब होता है बहुत ज्यादा बोलने वाली। एक लड़की तो रहती है शांत, उसके अलावा जितनी भी गर्ल हैं, गर्ल हैं, अब प्लीज गर्ल्स बुरा ना माने, मैं अपने आप को भी तो कह ही रही हूँ ना, तो बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है, सिर्फ हम तो याद करने के लिए कह रहे हैं गैरुलस। वैसे तो लड़के ज्यादा बोलते हैं लड़कियों से, क्यों, ये हमारे तो सबसे ज्यादा जो भी चार्ट रेट में बोली बोलना ही होता है, ये लिखना भी, तो जो सबसे ज्यादा बोल रहा है वो लड़के हैं, लड़कियां बहुत कम, अगर मैं देखूं तो एक भी नहीं नजर आ रही मुझे, बस एक रोशनी नजर आ रही है सुर, क्या बात, लड़कियां मैसेज नहीं कर दी क्या, कमेंट्स करना ज्यादा आपको प्रेफर, मतलब अच्छा नहीं लगता, नहीं नहीं ये आपका अधिकार है, आपको करना चाहिए, हंस लो बेटा, है ना, अभी लड़कियों का एग्जाम्पल है इसलिए तुम हंस लो, अभी लड़कों का आएगा फिर देखना। टॉकेटिव, हाँ जी, गैरुलस का मतलब होता है टॉकेटिव, गर्ल टॉकेटिव होती है, ठीक है याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स्ट्रोवर्ट, एक्स्ट्रोवर्ट का मतलब होता है जो लोग शाय नेचर के नहीं होते, बक बक करते रहते हैं, जो उनके मन में आए वो एक्स्ट्रो कर देना बाहर। इंट्रोवर्ट कौन होते हैं, जो शाय टाइप के होते हैं। एक्स्ट्रोवर्ट होते हैं जिनके मन में जो आया और बोल दिया बस, सोशिएबल टाइप के, तो उन्हें एक्स्ट्रोवर्ट कहते हैं। नेक्स्ट है कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंस से बना वर्ड, जिस जो कॉन्फिडेंट हो, मतलब जिसको विश्वास हो स्वयं पर, उसे कॉन्फिडेंट कहा जाता है, ठीक है। ये लाइक की संख्या तो नहीं बता रही, तुम लिख तो रहे हो मैम बहुत मजा आ रहा है, लाइक की संख्या तो नहीं बता पा रही मुझे कितना मजा आ रहा है क्या,
मैम आप भी संडे को क्लास ले ले रो क्यों भाई, संडे को क्यों ले ले हम क्लास? नहीं, मैं नहीं लेती संडे को क्लास। संडे को तो जीने दे, आपका वोकैबुलरी कॉम्प्रिहेंशन का नया बैच आ रहा है 1 दिसंबर से, आप उस बैच को परचेज कर सकते हैं। एडवांस लेवल तक वोकैबुलरी रहेगी। अगर आपको एडवांस सेक्शन, मेन सेक्शन नहीं, आपको नॉर्मल बेसिक से शुरू करना है तो आप अदर जो बैचेस हैं वो लीजिएगा, फिर ये मत ले लीजिएगा प्लीज, है ना, कभी गड़बड़ हो जाए तुमसे। क्वेश्चन देखेंगे, एग्जेम्प्ट, ये वर्ड सुना होगा आपने, एग्जेम्प्शन। जैसे इनकम टैक्स में आईटीआर जब आप फाइल करते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न जब फाइल करते हैं, तो उसमें कुछ एग्जेम्पशंस हैं कि 60 से अबू है तो एग्जेम्पशन, इतने लाख तक, 5 लाख तक एग्जेम्पशन, अगर आपने हाउस लोन लिया है तो उस पर एग्जेम्पशन। तो एग्जेम्पशन क्या है? किसी चीज को किसी चीज में से निकाल देना, कम कर देना, निकाल देना। निकाल देना मतलब कि इस पे टैक्स नहीं लगेगा, तो उस छूट को आप बोलते हैं एग्जेम्प्ट। तो एग्जेम्प्ट में रिलेट करेगा हिंडर। हिंडर का मतलब होता है रोक, रुकावट, ऑब्स्टेकल, जो कि हमारा दूसरा वर्ड था आज ही आपने पढ़ा है। हिंडर का मतलब तो रुकावट। एक्सक्लूड कर देना, एक्सक्लूड मतलब बाहर निकाल देना, वही तो करते हैं हम एग्जेम्प्ट के अंदर भी। तो आंसर तो बी होगा, वन आंसर मत दीजिए, बहुत सारे बच्चे गलत आंसर दे रहे हैं। एग्जेम्प्ट का मतलब रिड्यूस, कम करना नहीं होता, छूट देना होता है, इसलिए रिड्यूस भी इसका आंसर नहीं होगा। प्रिवेंट मतलब होता है रोकना, तो यह रोकने की कोई बात नहीं चल रही, हम बोल रहे हैं छूट किसी चीज को। अब हम बोले कि अगर किसी ने सेविंग की है तो उसके उस 1 लाख रुपए पर टैक्स नहीं लगेगा, तो ये रोका नहीं गया है, ना ही कम किया गया है, ना बाधा डाली गई है, उसको एक्सक्लूड कर दिया गया है, उसमें से हटा दिया गया है, छूट दे दी गई है। तो बच्चे सब गलत आंसर दे रहे हैं, प्लीज गलत आंसर ना दें, एग्जाम में पता लगे एग्जाम ही आ गया, और बोलने वाले बोलेंगे बहुत आसान क्वेश्चन आए थे वोकैबुलरी के अंदर। अगर आपसे ये भी गलत हो गया तो बेइज्जती हो जाएगी मेरी और आपकी दोनों की, ठीक है। एक्सक्लूड विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्री वैलेंट। प्री वैलेंट का मतलब क्या होता है? प्री माने पहले से, वैलेंट का मतलब होता है जो पहले से इच्छा से रिलेटेड है, वैसे तो वैकेंसी से रिलेटेड वर्ड है, फीलिंग से रिलेटेड है, जो पहले से मौजूद है, जो पहले से मौजूद है, पहले से उपस्थित है, आपके अंदर है, वैलेंसी है, आपकी इच्छा है, ऑलरेडी है। प्री माने पहले से, अलग से नहीं आई, तो आंसर क्या होगा? आंसर मुझे बताइए फिर, ऐसे केस में आंसर क्या होगा? प्री वैलेंट, अनयूजुअल, कॉमन, रेयर या डिफरेंट, क्या बोलेंगे? सही आंसर दीजिए भाई, ऐसे नहीं अनयूज, क्या अनयूजुअल, अनयूजुअल नहीं, पहले से उपस्थित है कोई चीज तो वो तो कॉमन हो गई ना। जो चीज पहले से उपस्थित है, पहले से आपके जहन में है, सब उसके बारे में पहले से प्री डिसाइडेड है, तो वो कॉमन है, रेयर नहीं है, डिफरेंट भी नहीं है, क्योंकि रेयर, डिफरेंट, अनयूजुअल, ये तो तीनों ही अगर आप वर्ड देखते तो कुछ सिमिलर टाइप के वर्ड हैं। तो आंसर होगा टू, कॉमन। प्रीवैरिकेट का मतलब होता है कॉमन। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे लेथल। लेथल को रिलेट करें आप, लेथल होता है LETHAL, ये बंदा लेटा रहता है, लेथा, लेटा, लेथा, लेटा रहता है। तो आप मुझे बताइएगा लेटे रहना कुछ नहीं भाई, सारा दिन लेटा रहता है, सारा दिन लेटा रहता है, तो लेटना बहुत पसंद है। आप में से भी बहुत सारे बच्चों को लेटना बहुत पसंद होगा, एम आई राइट? लेकिन लेटना अच्छा नहीं रहता, ज्यादा लेटना सही नहीं रहता है ना। आंसर बताओ फिर, लेटना कैसा रहता है? लेटना कैसा रहता है? क्या लेटना हार्मलेस है? नहीं, हार्मलेस नहीं है मैम, हार्मफुल टाइप है कुछ, है ना, हार्मलेस तो नहीं हो सकता, हेल्दी भी नहीं हो सकता, तो स्ट्रोंग भी नहीं बनाता आपको लेटा रहना, लेठा। वैसे ये वर्ड है लेथल, रिलेटेड हो गया आपके किससे? फैटल से। फैटल का मतलब होता है घातक।
हार्मफुल, फेटल का मतलब हार्मफुल। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, सारा दिन लेटा रहना ना आपकी हेल्थ के लिए क्या होता है, हार्मफुल होता है। तो लथल का मतलब होता है हार्मफुल, लेटे रहना। लेटे रहना कैसा है, हार्मफुल है। समझ में आई सभी को बात? चलिए फैटल, यस फैटल को आप रिलेट करने के लिए ऐसे कर सकते हैं, फेट, भाग्यवादी होना, भाग्य पर विश्वास करना हार्मफुल है। मतलब सिर्फ भाग्य के भरोसे रहना तो हार्मफुल है ना, आपको एफर्ट तो करने पड़ेंगे, है ना। अगर आप एफर्ट नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होने वाला। सिर्फ फेट के भरोसे रहना, सिर्फ भाग्य के भरोसे रहना बहुत गलत है। वो पहचान है कर्महीन लोगों की, जो कहते हैं जो होगा हो जाएगा। अरे जो होगा वो तो हो ही जाएगा, तूने क्या एफर्ट करा तेरे जीवन को बेटर करने के लिए? ऐसे तो ठीक था ना, सुबह का कोई नहीं सोएगा, कोई ना कहीं कैसे ना कैसे सबका काम चल जाएगा। पर अगर आप एफर्ट नहीं कर सकते तो आपका मनुष्य बनने का कोई फायदा नहीं, रियली में, रियली कोई फायदा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ड्रैग, ये तो सबको आता होगा। ड्रैग, ड्रैग का ऑप्शन कई बार आप कंप्यूटर या फिर मोबाइल चलाते हैं तो ड्रैग ऑप्शन आता है। ड्रैग का मतलब हो गया जैसे कि घसीटना, खींचना, ऐसा होता है ना ड्रैग वर्ड कि ड्रैग करो इस पॉइंट को, तो उसे खींचना कहते हैं। अगर नहीं याद होता, ये भी याद नहीं होता, अगर नहीं देखा है ये भी वर्ड, तो ड्रैगन, ड्रैगन तो सुना होगा, राक्षस, वो घसीट घसीट कर मारते हैं ड्रैगन। जैसे कि मान लो भूत है कोई, तो किसी को मारने वारने आया है ना, रात को 1-2 बजे तुम्हारे पास भी आ सकता है कोई, तो घसीट घसीट के, मूवी वूवी देखी होगी आपने, तो ड्रैगन ड्रैग करता है, खींचता है, घसीटता है। तो डिके माने कमजोर होना, पुल माने घसीटना, खींचना, यही इसका आंसर है। पुश माने धकेलना, नहीं धकेलना नहीं होगा, रेस्ट नहीं करता। ड्रैग माने रेस्ट करना नहीं होता, ड्रैग माने पुल करना होता है। फाइन, चलिए सबका आंसर ठीक था क्या? अगर आंसर ठीक दे रहे हैं तो वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखिएगा, डुबियस, डुबियस का मतलब क्या है? डुबियस जैसा कि आपको नाम से नजर आ रहा है, डुबियस, डुबियस मतलब कि डाउटफुल, डुबियस मतलब डाउटफुल। बहुत जल्दी जल्दी प्रैक्टिस करिए, डाउटफुल विल बी द राइट आंसर। सर्टेन माने निश्चित, लॉयल माने लॉयल और स्टडी, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, ये आप सुनते होंगे। मतलब अगर आराम से पर डेली, स्टडी का मतलब होता है डेली, अगर कोई पढ़ने में कमजोर है और एक पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट है, अगर आप में से भी कुछ लोग हैं कि पढ़ने में मैम बहुत अच्छा हूँ, कुछ पूछे बच्चे होते हैं कि मेरा ना बेसिक वीक है, मैं कमजोर हूँ पढ़ने में, बट जीत पता है किसकी है, जो डेली पढ़ता है, आराम से पढ़ता है पर डेली पढ़ता है। कमजोर है, बेसिक वीक है, कोई दिक्कत नहीं, पर वो स्लो एंड स्टडी है, आराम से करता है, डेली करता है, स्टडी है, लगातार है, निरंतर है, तो वो निरंतरता उसे उस इंटेलिजेंट पर्सन से बहुत आगे ले जाती है। और अगर इंटेलिजेंट के अंदर रेगुलरिटी नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता, चाहे वो कितने झंडा लेके घूमता रहे कि मैं इंटेलिजेंट हूं इंटेलिजेंट हूं, उस झंडे पे नीचे कोई नहीं आने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा मुझे, ऑब्सोलीट, ऑब्सोलीट ये वर्ड तो मैं आपको यूट्यूब पे भी कई बार पढ़ा चुकी होंगी, ऑब्सोलीट का मतलब क्या है? राइट मैम, यस राइट, यही सही है, सही कह रहे हैं भाई हम, है ना। आंसर दीजिए मुझे नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ऑब्सोलेट, मैं एक थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ, ओ बी एस ओ एल ई टी ई, ऑब्सोलेट अब माने अब, शोले माने शोले मूवी, शोले मूवी तो सुनी होगी आपने, गब्बर, बसंती, जयवीरू, है ना, यही होंगे शायद, तो वो मूवी तो आपने देखी है, लेकिन आप मुझे बताइए अब शोले मूवी क्या हो चुकी है, ऑब्सोलीट हो चुकी है। क्या वो फाइट में है अभी? नहीं मैम, फाइट में तो नहीं है। क्या विक्ट्री में है आजकल? नहीं मैम, विक्ट्री में तो नहीं है। क्या हो चुकी है आंसर? दो तो मैंने रिड्यूस कर दिए, दो में से बता दो। अब शोले मूवी, आजकल शोले मूवी आउटडेटेड हो चुकी है, पुरानी हो चुकी है। तो 3 विल बी द राइट आंसर, 4 भी आपका आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है इनडैलिबल, रिलेट करिए, इनडैलिबल क्या होता है? इन प्लस डैलिबल, इन लगाने से वर्ड नेगेटिव, डेलिबल मतलब डिलीट। आप मुझे बताइएगा जिसे डिलीट किया जा सके या जिसे डिलीट नहीं किया जा सके, आप मुझे आंसर दे दीजिएगा। अमीन सत्यम,
आशीष राजकुमार, सारे के सारे एंड सब सब टोटल। हाँ उमे फरवा, अभी से आंसर दे दिया आपने, अरे वाह बहुत फास्ट, वेरी गुड। आप इतनी खूबसूरत क्यों हैं? मेरे पापा काफी सुंदर हैं इसलिए। आंसर दे दिया, वेरी गुड, आंसर एकदम सही है। जो जो बच्चे सही आंसर दे पा रहे हैं, वेरी गुड। आंसर होगा इन इरेजिबल, जैसे कि आपने इनडेलिबल बनाया उसी तरीके से इन इरेजिबल भी बनाई है, जिसे इरेज ना किया जा सके उसे इन इरेजिबल कहते हैं। अगला वर्ड है इन इफेक्टिव, जो प्रभावहीन हो, जिसका इफेक्ट ना पड़े, प्रभाव नहीं प्रभावहीन। इफेक्टिव होता है जो प्रभाव डाले, इफेक्टिव है। आप मुझे बताइएगा क्लास कैसी है, क्लास इफेक्टिव है नहीं इफेक्टिव है? अगर इफेक्टिव है तो थम्स अप आने चाहिए, मतलब कि लाइक, और वरना दो डिसलाइक। इफेक्टिव है, इज दिस क्लास इफेक्टिव फॉर यू? हाँ जी, ये अब आप इतनी देर से जो पूछ रहे हैं उनको ये वाला बैच लेना है, प्लीज मेंस वाला बैच मत ले लीजिएगा। मेंस का बैच डिफरेंट ही होगा, उसमें एकदम बेसिक नहीं, उसमें जैसे मैं आज पढ़ा रही हूँ ना ऐसे पढ़ाऊंगी, फास्ट फास्ट थोड़ा। तो अगर आपको वोकैबुलरी कॉम्प्रिहेंशन का बैच लेना है तो हमारी एप्लीकेशन ओशन गुरुकुल, जिस नाम से चैनल है उसी नाम से मेरी एप्लीकेशन भी है ओशन गुरुकुल्स, उसे आप डाउनलोड करिए। वहां पर आपको एक डिफरेंट बैच मिलेगा जिसकी फीस भी कम है, मेंस की फीस ज्यादा है, उसमें हमारी मेहनत ज्यादा है आपकी भी ज्यादा है, नो डाउट। तो इसमें वो ज्यादा फीस वाला बैच आपको नहीं लेना है, वो 1500 रुपये फीस है आपके लिए। जो नॉर्मल 4-5 महीने कोर्स पढ़ने वाले हैं, 4 महीने लगभग, तो उनको ये वाला कोर्स लेना है, ठीक है? राइट, चलो नेक्स्ट देखते हैं। इन आर्टिकुलेट, नेक्स्ट वर्ड देखेंगे इन आर्टिकुलेट का मतलब क्या है। थैंक यू वेरी मच। इन आर्टिकुलेट, इन आर्टिकुलेट का आंसर देंगे, इन आर्टिकुलेट का मतलब क्या है? फ्लुएंट, इनएविटेबल, इलोक्वेंट या इनएक्सप्लिसिट? मैम नेट नेट नहीं चल रहा है, बार बार नेट खत्म हो गया। इतनी जल्दी नेट भी खत्म हो जाता है तुम्हारा? हाँ 1 घंटे में, कोई बात नहीं, फिर आगे की क्लास कल कर लेना अगर नेट खत्म हो गया है। बाकी के लोग है ना, जिसका चल रहा है वो पढ़ लें, बाकी तुम अपना, जिसका खत्म हो गया भाई, क्या कर सकते हैं, मैं तो रिचार्ज नहीं करवाने वाली हूँ। देखो बताओ फ्लुएंट क्या बोलेंगे? इन आर्टिकुलेट, याद करिए, इन प्लस आर्ट, आर्ट बोलने की कला, बोलने की कला तो आर्ट है। जो बोलकर, जो अपनी बात को बोल पाता है तो उसके अंदर आर्ट है, कोई कला है। अब इसके अंदर इन आर्टिकुलेट है मतलब कि कोई कला नहीं है, वो अपनी बात को समझा नहीं पाता, तो उसे कहते हैं इन आर्टिकुलेट। अब मुझे बताइए, अब आंसर दे दीजिए, इन आर्टिकुलेट का मतलब क्या होगा? आर्ट नहीं है उसके अंदर बोलने की, क्योंकि इन लगा है ना, इन लगाने से तो वर्ड नेगेटिव हो गया। आर्ट नहीं है बोलने की, अपनी बात को समझा नहीं पाता, आंसर दीजिए। आंसर फ्लुएंट होगा, नहीं बच्चे, आर्टिकुलेट होता तो फ्लुएंट होता, मैंने बोला आर्टिकुलेट का मतलब फ्लुएंट होता है, पर यहां तो इनआर्टिकुलेट है तो फ्लुएंट नहीं होगा। इनएविटेबल, जिसे मिटाया ना जा सके, एविट का मतलब भी मिटाना है, ये भी आंसर नहीं होगा। इलोक्वेंट क्या होता है? ये जो वर्ड आपको नजर आ रहा है ना, लोकी, LOQ, LOQ, ये LOQ एक रूट वर्ड है, किसका? बोलने का, स्पीक से रिलेटेड वर्ड है ये। अगर ये बोलने से रिलेटेड है तो इलोक्वेंट का मतलब होता है एक्सप्रेसिव स्पीकिंग, जो जब बोलते हैं तो दूसरे को इम्प्रेस कर देते हैं, जिसका जब बोलते वक्त उनके बॉडी लैंग्वेज, ऐसा नहीं कि सिर्फ लिप्स खुल रहे हैं कि इलोक्वेंट का मतलब ये होता है। जैसे कि मैं अगर आपको ऐसा करके दिखाऊं कि मैं इलोक्वेंट ना हूं और सीधा बस बोले बोले चली जाऊं, मैं बोलूँ इन आर्टिकुलेट का मतलब होता है, बताइएगा, फ्लुएंट, इनएविटेबल, इलोक्वेंट या फिर इनएक्सप्लिसिट। अगर बोलने में एक्सप्रेशन ना हो, अगर एक्सप्रेशन ना हो तो उसे आप कहेंगे इनआर्टिकुलेट, वो एक्सप्लेन करने में इनएक्सप्लिसिट है। और अगर वो बोलने में एक्सप्रेसिव है, एक्सप्रेसिव है, अपनी बात को सिर्फ जुबान से नहीं, उसका बॉडी लैंग्वेज ही पूरा
आप उस बात को समझाने के लिए अग्रसर है तो उसको बोलते हैं इलोक्वेंट, बोलिएगा एक्सप्रेसिव स्पीकिंग, जो बहुत अच्छा बोलते हैं, जो बहुत अच्छा बोलते हैं, पब्लिक को इम्प्रेस कर पाते हैं, उन्हें कहा जाता है इलोक्वेंट। ठीक है, मुझे पता था, ये भी मुझे पता था कि अब आप यही बोलेंगे कि मैं हूं, वेरी गुड। चलो कोई बात नहीं, आंसर दीजिए मुझे। आंसर होगा इनएक्सप्लिसिट, इन आर्टिकुलेट का आंसर है इनएक्सप्लिसिट, 4 विल बी द राइट आंसर, डी। नेक्स्ट लेवल क्लास, नेक्स्ट लेवल क्लास है तो लाइक की संख्या आज सबसे ज्यादा मैक्सिमम होनी चाहिए। अब तक की लाइक की संख्या मेरी 30,000 है मैक्सिमम आज तक, तो उस 30,000 को क्रॉस करिए आप, अगर ये कहना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच भाई, थैंक यू वेरी मच, बहुत 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 दिल से थैंक यू। वैसे मैं आपका बोलती ही रहती हूँ, आप लोगों की वजह से मैंने सच में मेरी टीचिंग करियर तो मेरा ठीक है, काफ़ी टाइम से ऑफलाइन में बहुत बहुत बच्चों को मैं पढ़ा चुकी, पर ऑनलाइन और आप लोगों का मोटिवेशन और आप लोगों को बार बार ये सब मेरे लिए लिखना कि मैं अच्छा पढ़ाती हूँ और मुझे मोटिवेट कर करके यहाँ तक ले आए हो, इसके लिए बहुत 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 थैंक यू। चलो मैम, मुझे पढ़ा पढ़ा कर आप एक दिन शशि थरूर बना ही देंगी, हाँ ऐसा बना दे, बना दो। शशि थरूर तो नहीं बना पाऊंगी, जो तुम हो वो जरूर बना पाऊंगी। शशि थरूर क्यों बनना है, कभी मत कहा करो मुझे उसके जैसा बनना है, इसके जैसा बनना है। अरे तुम जो हो उसको क्या खोज पाए हो, तुम्हारे अंदर भी एक टैलेंट है, उसकी कदर करो, उसको निकालो अपने अंदर से। भगवान ने ना सबको, सबको कोई ना कोई टैलेंट दिया है, सबको कुछ ना कुछ सबके अंदर है, पर हम पहचान नहीं पाते, कई बार सामने होते हुए भी चीज़ दिखती नहीं, वो वाली बात है। तो आप अगर अपने अंदर से, अपने अंदर के शशि थरूर को लाइए। चलो क्वेश्चन का आंसर दे दिया क्या किसी ने, देखो एक ने भी नहीं दिया, आई रियली, रहने दे बस रहने दे, आंसर दो आंसर, क्लास तो चलेगी आज पूरी रात चलेगी, कितनी देर और चलेगी, बहुत जल्दी हो रही है मैम। मैं बार बार लाइक कर रहा हूं, तोड़ मत दियो तू, है ना, मोबाइल को बार बार लाइक करके बेटा, बात दोबारा लाइक ऐसे करने से ना वो अपने आप हट जाता है, बार बार लाइक करने का भी कोई फायदा नहीं है। देखो रॉकी क्या है, ये बंदा रुक रुक के काम करता है भाई, है ना, रुक रुक के लगातार काम नहीं कर रहा, क्योंकि ये अभी एक्सपीरियंस नहीं है, ये रॉकी है, रुक रुक के काम कर रहा है। देखो रुकी रुकी फिर काम किया, फिर रुकी, कोई पर्सन है, कोई फीमेल है, रुकी फिर काम किया, फिर गैप लिया, फिर रेस्ट लिया, इसका मतलब उसे काम करने की आदत नहीं है, वो नई नई है, अभी नई है, इनएक्सपीरियंस्ड है। तो रुकी का मतलब रिलेशन है बच्चे अनुभवहीन, बोलेंगे आप किससे रिलेशन है, अनुभवहीन से इसका रिलेशन है, वर्ड समझेंगे, क्या हम इसे कैपेबल कहें, नहीं कैपेबल तो नहीं कहेंगे, ये तो रुक रुक के काम कर रही है ना, तो फिट कहें, फिट भी नहीं कह सकते मैम, रुक रुक के काम कर रही है, स्ट्रोंग कहें, नहीं स्ट्रोंग भी नहीं कह सकते, रुक रुक के काम कर रही है। वर्ड एक बचा जिसका मीनिंग शायद आपको नहीं आता होगा, टायरो, रिलेट करिए ट्राई, आर को इधर ले जाइए, याद कर लीजिए, टायरो का मतलब होता है नया नया, अभी ट्राई कर रहा है, तो ये रुक रुक के ट्राई कर रहा है, टायरो का मतलब भी होता है अनुभवहीन, इनएक्सपीरियंस्ड होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो मैं पढ़ा चुकी हूँ, ऑप्शन में आया था, देखो अभी एक क्वेश्चन बन के आ गया, अभी ये थोड़ी देर पहले आपका ऑप्शन बन के आया था, राइट, अभी ये क्वेश्चन बन के आ गया है, मैं नहीं जानती भाई किसी को भी, है ना, बंद कर तू ये क्वेश्चन मुझसे पूछना, मैं तो अपने आप को जानती हूँ और तुम्हें जानती हूँ बस। आंसर दीजिए गैरुलस, अभी थोड़ी देर पहले ये क्वेश्चन ऑप्शन में आया था, राइट, अब ये क्वेश्चन क्वेश्चन बन के आ गया, सही है, सही है, वेरी गुड, बहुत सही। गैरुलस का मतलब होता है नोट, गैरुलस कैसे रिलेट कराया था, गर्ल, गर्ल क्या होती हैं, गर्ल होती हैं मैम ज्यादा बोलती हैं, तो सबका आंसर ठीक है, सबको आंसर देना भी है, ये चैट रेट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता, लाइव की संख्या से कम हो, थोड़ा सा भी कम होता तो मुझे अच्छा नहीं लगता, तो आप थोड़ा मुझे अच्छा फील कराएं,
और सब इसका आंसर लिखें गैरुलस। गैरुलस का मतलब होता है टॉकेटिव। वेरी गुड, सब ने ठीक आंसर दिया है। इसका मतलब आप शिद्दत से पढ़ रहे हैं, और शिद्दत से पढ़ेंगे तो सबसे एक दिन आप बोलेंगे सबसे आसान जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो पोर्शन आता है ना, वो वोकैबुलरी है सबसे आसान, जिसे आप नॉर्मली सब लोग बैठ के यही बातचीत करते हैं कि बस मुझे ना वोकैबुलरी की टेंशन है यार, बहुत रटली मैंने, तब भी नहीं आती। तो अगर आप पढ़ते रहें, बस मुझसे पढ़ते रहें और शिद्दत से पढ़ते रहें, तो एक दिन आप सच में यही बैठ कर ये बोलेंगे सबसे आसान है वोकैबुलरी, बाकियों को फिर आप पढ़ लीजिएगा। थ्रोटी इज रिलेटेड टू थ्रोट, गले से रिलेटेड वर्ड है। रेटिसेंट का मतलब चुप, और कंसाइज अभी थोड़ी देर पहले कहीं और आया था, कंसाइज का मतलब होता है संक्षिप्त। ये वर्ड मैं तीनों आपको पहले करा चुकी हूँ, पर ये इसके आंसर नहीं होंगे, आंसर होगा टॉकेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्रोनिक। देखिएगा क्रोनिक का मतलब क्या होता है। क्रोन एक रूट वर्ड है, किसका क्रोन रूट वर्ड है, टाइम का। किसका है, टाइम का, और आंसर दीजिए मुझे। आप बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर अकॉर्डिंग टू टाइम, जैसे हिस्ट्री में आप कहते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाओ, क्रमानुसार जिस जिस प्रकार घटना हुई है। जैसे आप पूरे मुगल साम्राज्य को अगर आप वो करते हैं, बाबर से शुरू करते हैं, है ना, औरंगजेब पे जाकर बहादुर शाह पे ख़त्म करते हैं, तो ये क्या है, सिस्टमैटिक टाइमिंग के अकॉर्डिंग आप उनको अरेंज करते हैं, तो उसे कहते हैं क्रोनोलॉजिकल। किसी को सुना होगा किसको ये बीमारी, मान लो किसी को जुकाम है, खांसी है, कोई भी डिजीज़ है, तो हम बोलेंगे इसको जो क्रोनिक है, क्रोनिक है मतलब लंबे समय से है, अभी नहीं हुई है, लंबे टाइम से चली आ रही है। कैसे चली आ रही है, लंबे टाइम से, नहीं बेटा टेम्परेरी इसका आंसर नहीं होगा। क्रोनिक का मतलब टाइम होता है, और क्रोनिक का मतलब अगर टाइम है तो फिर इसका आंसर क्या हुआ, अब आंसर दें, फिर फोर आंसर ना लिखें, टेम्परेरी नहीं, प्रोलोंग्ड विल बी द राइट आंसर। किसने ठीक आंसर दिया, ये रचित मंगला, आगे मैं पढ़ नहीं पाई, कुरेशी ने भी ठीक आंसर दिया। अच्छा बहुत सारे बच्चों ने ठीक आंसर दिया ऐसे तो, मयंक, कमल, दीपक, राजीव, बबलू, विकास ने भी, वेरी गुड, जसवंत ने भी, चलो ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने ठीक आंसर दिया है। और आंसर दिया है उन बच्चों ने प्रोलोंग्ड, प्रोलोंग्ड मतलब लंबे समय से, प्रोलोंग लंबे समय से चला आ रहा है, उसको कहते हैं क्रॉनिक। ठीक है, नॉट ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी तो सिंपल हो गया, कॉमन भी सिंपल हो गया, टेम्परेरी। अगर आप चाहते, देखिए क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है, एग्जाम में आपके साथ क्या होना है मैं उसको बता देती हूँ, कि मान लो आपके पास ये वर्ड आ गया, जस्ट एक एग्जाम्पल, हो सकता है दूसरा वर्ड भी आ जाए, तो उस केस में ना आप छोड़िए मत, क्वेश्चन को छोड़िए मत, मैं आपको वो तुक्का जो आप कहते हैं तुक्का मारना सिखा दो। तुक्का कोई चीज़ नहीं होता, पर हाँ दिमाग लगाएं तो वो तुक्का भी लग सकता है। अगर आप इस वर्ड में अभी देखते, एग्जाम में आया था कभी, आज फिर आ गया क्रोनिक, कि मुझे इसका मतलब नहीं पता, एग्जाम्पल दे रही हूँ ध्यान दीजिएगा, लेकिन आप ये चारों ऑप्शन पढ़िए। जब आप इन ऑप्शन पढ़ रहे होंगे तो आप देख रहे होंगे ऑर्डिनरी माने ही तो कॉमन होता है, कॉमन माने ही टेम्परेरी, मतलब ये तो कुछ सिमिलर टाइप का मीनिंग दे रहे हैं। फिर आप सोचेंगे सिर्फ यही एक वर्ड है प्रोलोंग, लंबे टाइम से, जो इनसे अपोजिट जा रहा है, तो यहाँ पर 90% केस हो जाते हैं, परसेंटेज हो गई आपकी कि आपका क्वेश्चन ठीक हो जाएगा डेफिनेटली। ठीक है, तो देखिएगा क्रोनिक का मतलब होता है प्रोलोंग। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, कोर्स, कोर्स का मतलब क्या है, थैंक यू पाटिल जी, कुशल पाटिल, इतने टाइम से तेरा नाम गलत पढ़ रही हूं, है ना, हाँ सम्राट किशन, सबका ठीक आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए मुझे फटाफट, और कोर्स, सी ओ ई आर सी ई, कोर्स बड़ा ही इम्पोर्टेंट वर्ड है। कोर्स का मतलब क्या होता है, एनचांट, प्रेशराइज करना, किजोल करना, या लीव करना। ध्यान देंगे, मैं एक ट्रिक बताती हूँ, कोर्स, कोर्स मतलब फोर्स। आप बोलेंगे अगर किसी को बहुत ज़्यादा फोर्स कर दिया जाए तो वो क्या हो जाता है, कोर्स हो जाता है, कोर्स फोर्स। जब किसी को दबा दें, बहुत ज़्यादा प्रेशराइज कर दें, तो वैसे वो खुरदुरा भी, कोर्स को आप कहते हैं खुरदुरा, या फिर दूसरा वर्ड हो गया इसका रिलेटेड, किससे, आंसर दो, अब तो सब दे दो, एनचांट, प्रेशराइज, कैजोल या लीव। मैंने ट्रिक बता दी, कोर्स मतलब फोर्स, कोर्स फोर्स। देखिए मैं फिर से कह रही हूँ, आप ये सब पढ़ने के बाद जब मैं आपको PDF भेजूँ, और PDF कहाँ पर मिलेगी आपको, @ सुमन इंग्लिश,
ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इस चैनल पर आप इसे ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आप नए हैं तो मेरा चैनल यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इस चैनल पर आपको सुमन इंग्लिश पर जो आप अभी पढ़ रहे हैं इसका प्रैक्टिस मिलेगा, मतलब कि 10-15 मिनट में फटाफट टिक करने की ट्राई करेगा, इसका ये, तो उससे आपको महसूस होगा कि जब आप पढ़े थे तो वोकैब कितनी आसान है अगर तरीके से पढ़ी जाए तो। अगर आप गलत तरीके से पढ़ रहे हैं तो उसका इलाज नहीं है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको इस टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां से भी आप अटैच हो सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिएगा कोर्स का मतलब क्या होता है। कोर्स का मतलब होता है फोर्स। तो आंसर सबका आ गया प्रेशराइज, आपने बहुत सही आंसर दे दिया। अगला वर्ड समझेंगे, पहला वर्ड है हमारे पास एनचांट। एनचांट का मतलब आप जो चंट लोग होते हैं ना, चंट सबको पसंद है। आज की दुनिया में ना भोलों की तो दुनिया है ही नहीं, बहुत तेज होना चाहिए, चंट होना चाहिए। एनचांटिंग मतलब कि अट्रैक्टिंग, एनचांटिंग मतलब अट्रैक्टिंग, चंट लोगों को, सब चंट लोगों से अट्रैक्ट होते हैं, वहां से याद करेंगे एनचांट। एनचांटिंग पर्सनालिटी, जिससे आप अट्रैक्ट होते हैं, भोले लोगों से तो अट्रैक्ट नहीं हो पाते। देयर शुड बी सम ग्लैमर, सम एनचांटनेस, तो उसी से आप अट्रैक्ट हो पाते हैं। तो एनचांटिंग का रिलेशन हो गया अट्रैक्शन, पसंद आना, जो चीज आपको पसंद आती है। क्वेश्चन देखेंगे कैजोल। कैजोल का मतलब क्या है? काजोल, काजोल को काम नहीं मिल रहा आजकल, और आजकल बस बॉलीवुड में इधर की उधर, उधर की इधर, और या फिर काम दे दो उसके लिए करती रहती है बटरिंग। बुरा मत मानना काजोल के फैन, ऐसी मजे के लिए कह रहे हैं हम, है ना। लीव का मतलब होता है छोड़ देना। तो आंसर आपका यहां पर आ जाता है, आंसर है आपका प्रेशराइज करना। प्रेशराइज विल बी द राइट आंसर, ठीक है। एनचांट, यस राघव, शिवम, सागर, गौरव, सुरगीव, लरेब, अजीब और गरीब से नाम है, कुछ कुछ है, गजेंद्र जी, बहुत सही आंसर है, बहुत सही, ठीक है। अजय देवगन से याद कर लो कि अजय देवगन काजोल की चापलूसी करता रहता है। आपको बस कैजोल का वर्ड जरूर याद कर लेना, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में आ चुका, पहली बार तो है नहीं आपके सामने है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वर्ड है आपके पास एविडेंस। एविडेंस का मतलब क्या होता है? आपको क्लास कैसी लग रही है इस बात को आप बाद में मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और अभी भी बता सकते हैं। ये लाइक की संख्या, इसका बढ़ना मुझे ये बता देता है कि आपको क्लास अच्छी लग रही है। एविडेंस, ये तो आसान है ना। अब एविडेंस तो मैं क्या बताऊं, एविडेंस तो सबको सबको आता होगा। अब हो सकता है कि एविडेंस सफाइस का मतलब नहीं आता मैम, डिप्लीटिंग का मतलब नहीं आता, या हो सकता है कंसीलमेंट का नहीं आता, ये इंडिकेशन भी क्या होता है पता नहीं, पर ट्राई करो। एविडेंस क्या करते हैं? इशारा करते हैं, इंडिकेट करते हैं। तो आंसर तो हमें मिल गया कि एविडेंस का मतलब होगा इंडिकेशन। अब हम समझते हैं सफाइस वर्ड को कैसे याद करना है। सफाइस वर्ड को याद रखना है सफिशियंट। सफाइस बोलो, सफाइस से बना दो सफिशियंट। सफिशियंट का मतलब होता है काफी, पर्याप्त, एडिक्वेट। एडिक्वेट का मतलब भी क्या है? काफी है ना कोई चीज। अगला वर्ड देखेंगे डिप्लीटिंग। डिप्लीटिंग का मतलब क्या है? डिप्लीटिंग का मतलब होता है बच्चे पुअर, मतलब कि गरीब, बहुत गरीब होना। जैसे आप देखते हो ना प्लेट में कोई भीख मांग रहा है, दे दे प्लेट में, अल्लाह के नाम पर दे दे, तो ऐसा आपने सुना होगा। डिप्लीटिंग, जो प्लेट लेकर कहते हैं दे 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 दे, तो डिप्लीट कौन करता है भाई? मांगता कोई, ऐसा थोड़ा ना कि पैसे वाले लोग भी मांगते हैं, नहीं। डिप्लीट, जो प्लेट में बेचारा आपसे खाने के लिए कुछ पैसे मांग रहा है तो डिप्लीटिंग कर रहा है वो। डिप्लीटिंग का मतलब होता है गरीब हो जाना, कमी हो जाना, अभाव हो जाना। जिसके पास अभाव है वो कह रहा है डिप्लीटिंग, ठीक है। तो पुअर को आप इंडिकेट करते हैं, डिप्लीटिंग से कमी होना, अभाव से रिलेटेड वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे कंसील। कंसील का मतलब सील, सील माने छुपाना, तो कंसील माने भी छुपाना, ठीक है। दे दे प्लेट में, बहुत हंसी आ रही है, याद कर लो डिप्लीटिंग, प्लेट में देने से, मैं बस याद कर रही हूँ तुम्हें, सही है, हंस के पढ़ते हो, ठीक है। कोई भी सब्जेक्ट, कुछ भी, आपको लोड लेके नहीं पढ़ना चाहिए। अगर आप लोड लेके पढ़ेंगे तो आपको आना ही नहीं, वो याद ही नहीं रहना। लंबे टाइम तक अगर आपको कोई भी चीज़ याद रखनी है
तो उसके लिए बहुत आवश्यक है कि जब आप पढ़ाई कर रहे थे उस समय पर आप उसे एंजॉय कर रहे हो, मजा आ रहा हो आपको, मजा बहुत आवश्यक है, जो कि आपकी क्लास में आता है। ठीक है, ओके, ठीक है, मजे लेते लेते पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, मजे लेके ही पढ़ना चाहिए। रायबरेली की धरती से प्रणाम। ओके जी, परसिस्ट बताइएगा, परसिस्ट क्या होता है? परसिस्ट का रिलेशन हो गया जो आपको कर रहा है किसी काम पर असिस्ट। परसिस्ट क्या कर रहा है? असिस्ट कर रहा है, तो जो आपको असिस्ट करता है, मतलब असिस्ट मतलब आपकी हेल्प करता है, तो वो आपको काम के करने में क्या करेगा? कंटिन्यू करने में हेल्प करेगा, काम को बंद करेगा, होल्ड लेगा या फॉरगेट कर देगा। बहुत सही है बेटा, याद रखिएगा, परसिस्ट करना, परसिस्टेंस कहते हैं किसी चीज के कंटिन्यूएशन को, किसी चीज के लगातार होने को। तो आंसर तो आपका कंटिन्यू ही होगा यहाँ पर। अब हम समझते हैं सीज का मतलब क्या होता है, रोकना, सीज कर देना। हॉल्ट का मतलब क्या होता है? जब आप टेम्प्रेरी कोई स्टे लेते हैं, मान लो आप दिल्ली से आगरा जा रहे थे, तो आगरा जाने के बीच में कि यार थोड़ी देर रुक जाते हैं, इतना लंबा सफर नहीं हो पा रहा, गाड़ी को रोक दे, तो उसे कहते हैं हॉल्ट ले लेना। हॉल्ट का मतलब होता है थोड़ी देर के लिए टेम्परेरी रुकना, टेम्परेरी रुकना। ठीक है, फॉरगेट का मतलब भूलना, जो कि इसका आंसर नहीं है। मैंने बोला परसिस्ट, परसिस्ट मतलब जैसे कि काम को करने में कोई करता है आपको असिस्ट, तो असिस्ट करता है, असिस्ट करने के दौरान वो क्या कहलाया? आपकी क्या कर रहा है? हेल्प कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम ही आ गया आपके, क्वेश्चन देखेंगे। एफिकेशियस वर्ड आ गया आपके पास, एफिकेशियस वर्ड कैसे याद होगा पहले आप ही बताइए इसका आंसर। देखिए ट्रिक इसके अंदर ही है, एफिकेशियस में कोई वर्ड ढूंढिए ध्यान से। एफिकेशियस यहां से ये वर्ड देखिए, एफिक देखो, बोलो इफेक्टिव, यस वेरी गुड, इफेक्ट होगा, इफेक्ट से कोई वर्ड मुझे ढूंढना है, इफेक्ट से रिलेटेड आपको कोई वर्ड ढूंढना है, जल्दी से ढूंढिए। अच्छी बात है तो वो अपना ईमेल भी ठीक कर ले, स्टडी नहीं मस्ती जो भी है, आईएएस बनना है, दुआ दीजिए, मेरी तो सबके साथ दुआ है, जल्दी से लाइफ में सब सेटल हो जाए। सेटल होने का मतलब ये नहीं कि तुम्हारी शादी हो जाए, मैं उसे सेटलमेंट नहीं कहती। सेटल का मतलब होता है अपने पांव पे खड़े हो जाए, बेसिक बात है, पैसे कमाने लगो, बस सीधी सी सीधे से शब्दों में बात है, पैसे कमाने लगो। लोग घुमा फिर आके कहते होंगे इस बात को, पर सच में सेटलमेंट का मतलब पैसे कमाने लग जाओ। मेरी बात से एग्री है तो मुझे बता दीजिएगा, एग्री हो ना? भाई पैसे कमाना ही तो इक्वल टू सेटलमेंट है। कुछ लोग, खैर कुछ लोग पैसे कमाने लग जाते हैं, उसके बाद भी सोसाइटी यही कहती रहती है कि अब तो सेटल हो जाओ, वो कहते हैं शादी कर लो, तो बिल्कुल भी शादी मत कर लेना। आंसर बता दिया किसी ने? कुछ बच्चे सही आंसर दे रहे हैं, देखो मैंने बता भी दिया है तो फिर आपको ठीक बताना चाहिए। गुड, वेरी गुड, जो जो सही आंसर दे रहे हैं, अभी आपको पता भी लग जाएगा। अमन सर की क्लास कल सुबह 9 से 11 रहेगी, 9 से 11 ग्रामर की क्लास, ओके, प्रैक्टिस क्लास रहेगी आपकी। ये लो कुछ तो शुरू हो गए, मेरे को भी कहते हैं सेटल हो जाओ, कर ले बेटा फिर और क्या। वोरेशियस का मतलब क्या है? वोरेशियस मतलब VOR, एक रूट वर्ड है किसका? खाने का। अगर IOUS वर्ड लग जाए तो इसे कहते हैं फुल ऑफ, तो ये मतलब बहुत खाता है, डेट्स वाई वोरेशियस है। अगर लोकुएशियस होता तो बहुत ज्यादा बोलता है, अभी मैं आपको बता के आई हूँ लौकी माने बोलना, बहुत ज्यादा खाता है तो वो वोरेशियस है, बहुत ज्यादा लड़ता है तो पगनेशियस है, ये वर्ड भी आपके एग्जाम में आते हैं। अगला वर्ड देखेंगे इफेक्टिव, एफिकेशियस वर्ड ही इफेक्टिव से बना है,
तो याद हो जाना चाहिए आपके, यहीं से बना था, हो सकता है एग्जाम में आए तो छोड़ के आ जाए, छोड़ के नहीं आना है। वर्ड को ध्यान से देखो, वो अपनी कहानी खुद कहता है, उसके अंदर ही कुछ है जो आपको हिंट देगा उसे याद रखने के लिए। डायरेक्ट रट्टा मारने से वर्ड कभी भी याद नहीं हो सकते। वर्ड देखेंगे ऑडेशियस, ऑडेशियस का मतलब होता है जिद्दी, जो अपनी बात पर अड़ जाए, ऑडेशियस का मतलब हो गया जिद्दी, अड़ जाना, एडामेंट, जिद्दी। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट का मतलब कुछ लोग बोलेंगे इम्पोर्टेंट होता है, इम्पोर्टेंट नहीं होता है, देखो ध्यान से, इम्पोर्टेंट ध्यान देंगे, ध्यान दीजिए भाई, इम्पोर्टेंट वर्ड है ये, आपके रीसेंट अभी एग्जाम में आया। पोर्टेंट का मतलब क्या होता है? पावर। रट्टा इसका भी नहीं मानना कि पोर्टेंट माने पावर। आप एक वर्ड जानते हैं ना, पोटेंशियल, पोटेंशियल मतलब एनर्जी, एनर्जी मतलब पावर। बस अब हमने इसके आगे लगा दिया आई एम, आई एम लगाने से वर्ड हो गया नेगेटिव, जैसे पॉसिबल का उल्टा इम्पॉसिबल हो गया, 99% केसेस में आई एम लगाने से नेगेटिव हो जाता है। तो हम सोचेंगे इम्पोर्टेंट का मतलब क्या हुआ, इम्पोर्टेंट हो गया जिसमें पावर है या नहीं, अरे है या नहीं, नहीं है, तो इम्पोर्टेंट का मतलब हुआ वीक, कमजोर। याद रखेंगे ये जितना खजाना आपको आज क्लास में दिया जा रहा है, थोड़ा हो रहा होगा कि डाइजेस्ट एकदम से नहीं हो पा रहा, पर कोई बात नहीं, आपको जो पीडीएफ मिलेगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर उससे एक बार रिवाइज कर लेंगे तो ये पूरा खजाना ट्रेजर आपके माइंड में रह जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देंगे, कंटामिनेट, ये वर्ड तो हम सुनते ही हैं, कंटामिनेटेड वाटर। तो कंटामिनेटेड वाटर अगर किसी को नहीं आता तो ऑप्शन पे ध्यान देंगे, सिंक्टिफाई, सिंक्टिफाई को याद करने के लिए आप बोल लीजिएगा, जैसे कोरोना के टाइम पे सबसे ज्यादा ये काम चला, प्योरीफाई करने का, क्लींस करने का, है ना, सिंक्टिफाई करने का, और दोबारा ना आ जाए बस। तो ये तीनों के तीनों वर्ड किससे रिलेटेड हैं? स्वच्छ करने से रिलेटेड हैं, क्लीन करने से रिलेटेड वर्ड है, क्लींस भी वहीं से बना, प्योरीफाई, सिंक्टिफाई, है ना। तो एक ही आंसर बचा, मैम कोई तकलीफ ही नहीं होनी चाहिए, और आंसर बचा आपके पास, ये तो तीनों अगर सिमिलर वर्ड है तो कंटामिनेट का मतलब तो पोल्यूट ही हुआ ना, उल्टा हुआ ना, इनसे, इन तीनों से उल्टा वर्ड है पोल्यूट, प्रदूषण, खराब करना किसी चीज को, कंटामिनेटेड वाटर, कंटामिनेटेड वाटर हो गया दूषित पानी, तो उसे हम पोल्यूट, पोल्यूशन से आप इसे रिलेट करते हैं, पोल्यूट मतलब पोल्यूशन, दूषित। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे, वर्ड है आपके पास सबसिक्वेंट, सबसिक्वेंट आपके एग्जाम में आता रहता है वर्ड, थोड़ा टिपिकल हो सकता है पर ध्यान देंगे तो याद हो जाएगा, सबसिक्वेंट। मैं बताती हूँ आपको सबसिक्वेंट कैसे याद करना है, सब को, SUB, सब, सब मतलब सब को, कैसे लगा दो, जिसको आता है वो खुद ही आंसर दे दे, कॉन्सिक्यूटिव, प्रेसीडिंग, एंटीसीडेंट एंड प्रायर, इसको अगर आपको ऑप्शन आते हैं तब भी आप इसका आंसर दे सकते हैं। देखिए जरूरी नहीं होता, जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करें तो मैंडेटरी नहीं है कि आपको सब आना चाहिए, कि आपको पांचों के पांचों वर्ड आने चाहिए, आपको यार तीन चार से भी काम चल जाता है, एक नहीं भी आता है, दो नहीं आते तब भी काम चल जाता है कई बार। देखिएगा सब मतलब सब, सब को लगा दो, कैसे लगा दो, सीक्वेंस में लगा दो, सीक्वेंस मतलब सीक्वेंस, मतलब एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, जैसे आप कहते हैं कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स, क्रमागत नंबर, है ना, क्रमागत इवन नंबर्स का जोड़ी आप मैथ्स वैथ्स में पढ़ते होंगे, कॉन्सिक्यूटिव। देखिएगा यहां पर भी लगाया गया है सीक्वेंस में, यहां पर भी लगाया गया है सीक्वेंस में, तो इसे कहते हैं सबसिक्वेंट का मतलब हो गया कॉन्सिक्यूटिव, सीक्वेंस में, ठीक है। अगला वर्ड देखेंगे प्रोसीडिंग, जो पहले आ चुका, एंटीसीडेंट, एंटी मतलब पहले, सीडेंट इंसिडेंट, जो इंसिडेंट पहले हो चुका उसे कहते हैं एंटीसीडेंट, जो प्रायर मतलब पहले हो चुका, मतलब कि अगर ध्यान से देखें तो प्रीसीडिंग भी वही है जो पहले हो चुका, एंटीसीडेंट भी वही है, एंटी मतलब पहले, जो पहले हो चुका, प्रायर भी क्या होता है, प्रायर नोटिस, पहले। तो ये तीनों जो वर्ड आपको नजर आ रहे हैं इन तीनों का मतलब होता है जो पहले हो चुका, पहले वाला, तो पहले वाले से रिलेट करेंगे तो प्रीसीडिंग, एंटीसीडेंट एंड प्रायर,
तीनों का मतलब क्या होगा जो पहले हो चुका, हमें तो लगाना था क्रम में, आगे की तरफ वही सीक्वेंस में लगा दो तो आंसर क्या होगा। हाँ, ये आपके एंटोनिम इसको बोल लीजिए, एग्जाम में तो एंटोनिम भी आते हैं, अगर एंटोनिम आता तो आप इनमें से कोई सा टिक करते, पर वो तीनों एक साथ नहीं आते। हाँ जी, इम्पोर्टेंट और इम्पोर्टेंट बेटा एकदम कैसे इसका आप रिलेशन बना सकते हैं? इम्पोर्टेंट अलग वर्ड है मैम, डिफरेंस बताओ, डिफरेंस क्या, इम्पोर्टेंट क्या होता है, इम्पोर्टेंट एकदम अपोजिट है यार। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ जी, जिसको स्पोकन का बैच लेना है, नया बैच अभी नहीं आ रहा है, जो 22 नवंबर से बैच शुरू हुआ है, जिसकी क्लासेस 24 नवंबर से स्टार्ट हुई हैं, जिसकी हो चुकी है 4-5 क्लासेस ऑलरेडी, तो वो क्लास आपके लिए अभी भी ऐप पर है। तो मेरी स्पोकन की क्लासेस, जिसको इंग्लिश में बोलने से रिलेटेड समस्याएं आ रही हैं, बेसिक डेली लाइफ, एंड आपको किसी SSB या फिर आप कोई राइटिंग डिस्क्रिप्टिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए, सबके लिए आपके लिए ये बैच इम्पोर्टेंट रहेगा। अगला वर्ड देखेंगे, लाविश। लाविश का मतलब क्या होता है? लाविश, लाविश मतलब लव की विश। अगर आपको लव की विश है, मतलब आप जिंदगी में चाहते हैं कि कोई हो, तो भैया पैसे की कमी तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो सकती। पैसा तो रोज चाहिए, क्योंकि बहुत सारे दिन साल में आने वाले हैं, क्यों, तो वो सब आपको उसमें आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। होता है ना कि नया साल आ गया, फिर फरवरी के दिन आ गए, फिर होली आ गई, फिर दिवाली का गिफ्ट, फिर बर्थडे हो सकता है, एनिवर्सरी हो सकता है, तो आपके पास पैसे की कमी तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, कमी नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। तो ज़्यादा होने के लिए आप ना तो बेच सकते पापड़, क्योंकि पॉपर का मतलब होता है गरीब, पुअर, और इनेप्ट, याद करिएगा मैंने जब आपको शुरू में ही क्लास ली है, इन प्लस एप्ट, एप्ट का मतलब क्या बताया था, गुण, जिसके अंदर कोई गुण नहीं है उसे कहते हैं इनेप्ट। अगला वर्ड है अनफिट, ना तो आप हो सकते अनफिट, ना हो सकते अवगुण, इनेप्ट, ना आप हो सकते गरीब, आपको होना पड़ेगा कॉपियस। कॉपियस का मतलब क्या होता है? कॉपी 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 कॉपी, बहुत सारी कॉपी, तो मतलब बहुत सारी, तो लव की विश है तो बहुत सारा होना होना चाहिए, पर्याप्त पैसा, सफिशियंट, ज़्यादा संख्या में। तो लाविश का मतलब होता है बच्चे एडिक्वेट, काफ़ी, बहुत सारा, लाविश। ध्यान रहेगा कितने बजे लाइव होती है क्लास, क्लास मेरी 9 बजे लाइव होती है, मंडे, वेनसडे एंड सैटरडे, मतलब मैं कल आपसे नहीं मिलूंगी, मंडे को फिर से मिलूंगी, और हमेशा मेरी क्लास का टाइमिंग रात को 9 बजे ही रहता है, क्योंकि मेरे पास बस यही टाइम है पढ़ाने के लिए। तो कॉपियस आंसर होगा, लव की विश है तो कॉपी कॉपी कॉपी, कॉपी करने से भी चीज कैसी, बहुत सारी, लव की विश है बहुत सारी, तो लाविश का मतलब होता है बच्चे कॉपियस, कम संख्या से काम नहीं चलेगा, काफी काफी ज्यादा ज्यादा पैसा कमाओ। ट्रैंक्विल, अब आप सोचेंगे, मैं आपको एक थोड़ी सी छोटी सी स्टोरी, दो इंसान होते हैं ट्रेन में, ना जनरली लड़ाई हो जाती है, आपकी सीट नंबर क्या है, आपने सामान यहाँ क्यों रखा, मेरी सीट यहाँ है, आपने यहाँ क्यों रख दिया, ऐसा ऐसा करके ट्रेन में लड़ाइयाँ चलती रहती है। अब एक बार क्या हुआ कि एक पर्सन कुली सामान लेके आता है एक साहब का, फिर अंदर जाता है, अंदर जाके वो कहता है जी आप, दूसरा कोई पर्सन बैठा है, उसने खूब बहुत सारा सामान लेके दोनों सीट के नीचे सब जगह उसने अपना सामान फिट कर दिया। वो कहता है तो आपकी सीट कौन सी है, वो कहता है जी मेरी तो ये सीट है। बोले सामान आपने तो क्या हो गया, ट्रेन आपने क्या खरीद लिया। दोनों लड़ाई करते रहते हैं, बेचारा ट्रेन में जो कुली था वो सर पे बोझ लेके खड़ा है। अब वो कहता है भाई चुप हो जाओ, शांत हो जाओ, बता तो दो कहाँ रखूँ सामान। वो आपस में लड़ने में बिजी हैं, तो ट्रेन में कुली जब लड़ाई हो रही होती है तो उसको तो बेचारे को अपना वजन कम करना है, सामान कहीं ना कहीं रख के जाना है। तो ट्रैंक्विल के वैसे इंजेक्शन भी सुने होंगे आपने, जब ये जो जंगली एनिमल्स वगैरह के लिए सुना होगा आपने कि उनको शांत करने के लिए ट्रैंक्विलाइजर दिया जाता है, एक इंजेक्शन दिया जाता है। तो ट्रेन में कुली भी क्या कर रहा है, दो बंदे लड़ाई कर रहे हैं तो ट्रेन में कुली उन्हें क्या कर रहा है, नर्वस नहीं कर रहा, एजिटेट का मतलब होता है भड़काना, भड़का भी नहीं रहा, वाइल्ड भी नहीं कर रहा, जंगली भी नहीं कर रहा, उन्हें क्या करने की कोशिश कर रहा है,
काम करने की कोशिश कर रहा है कौन? वर्ड इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ट्रेन में कुली कह रहा है भाई बता दो कहाँ सामान रखूं, तो ट्रैंक्विलाइज, ट्रैंक्विल का मतलब होता है काम, शांत। नेक्स्ट वर्ड समझेंगे, नेक्स्ट वर्ड है आपके सामने, क्वेश्चन है आपके पास फैसिनेटिंग। फैसिनेटिंग का मतलब क्या होता है? फैसिनेटिंग को रिलेट करना है, फैसिनेटिंग, वैसे सुना होगा आपने वर्ड, फिर भी मैं आपको हिंट दे देती हूँ। फैसिनेटिंग जैसे कि फैशनेबल, अगर कोई पर्सन बहुत फैशनेबल है, अप टू डेट चल रहा है, आज के जमाने के हिसाब से कपड़े पहन रहा है, स्टाइल है, तो उसे बोरिंग तो नहीं कहेंगे, स्टूपिड भी नहीं कहेंगे मैम, टायरिंग भी नहीं कहेंगे। टायरिंग का मतलब होता है थका हुआ सा, है ना, ऐसा फील हो रहा है, बोरिंग सा फील हो रहा है, टायरिंग। तो क्या कहेंगे अब बता दीजिए, तीन तो मैंने काट ही दिए। आंसर होगा अपीलिंग। अपीलिंग का मतलब भी होता है अट्रैक्टिंग, मतलब कि फैसिनेटिंग। जो ज्यादा फैशन वैशन में रहते हैं तो लोगों का ध्यान तो उनकी तरफ जाता ही है, तो फैसिनेटिंग का मतलब होता है अपीलिंग। कई बार ऐसे एग्जाम्पल दिए जाते हैं, फैसिनेटिंग पर्सनालिटी, फैसिनेटिंग पर्सनालिटी मतलब कि अट्रैक्टिंग पर्सनालिटी। फाइन, बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अभी तक आपने जितने वर्ड सीखे क्या आपके माइंड में सेट हैं? और अगर आपको क्लास में अच्छा लग रहा है तो लाइक का बटन और कमेंट छोड़ना मेरे लिए ना भूले। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कंडेम। अभी मैं बता चुकी हूँ कंडेम ऑफ कोर्ट, ऐसा भी हम कई बार जो कोर्ट ने कुछ आदेश दे दिया और उसको अगर फॉलो नहीं किया जा रहा है तो कहेंगे कंडेम करा, मतलब कि कुछ बुराई करी है, गलत किया है, त्यागा है, जो चीज़ होनी चाहिए थी वो नहीं हुई है। तो कमेंड करना तो नहीं होता, वो तो प्रशंसा से रिलेटेड हो गया। कॉम्प्लीमेंट भी नहीं हो सकता, अप्रूव भी नहीं हो सकता। तो मैंने बताया था वर्ड होगा डिनाउंस, पहले बता चुकी हूँ। मान लो जैसे कि जज ने कोई फैसला सुनाया, कोई फैसला सुनाया मतलब कि उसने अनाउंस किया, और उस बात को गवर्नमेंट ने डिनाउंस कर दिया, मतलब कि त्याग दिया, छोड़ दिया, तो आप बोलेंगे कि वो तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो गया। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट सुनते हैं ना, वहीं से इस वर्ड को रिलेट कर सकते हैं, मतलब कि अपनी कही हुई बात को टालना, स्थगित कर देना, बंद कर देना, छोड़ देना, स्टेटमेंट से पलट जाना। तो पलट जाने के सेंस में आप कहते हैं पहले अनाउंस कर दिया, अब डिनाउंस कर दिया, मतलब कि जो बात कही थी उससे पलट गए, उसे आप कंटेम्प्ट और डिनाउंस दोनों कह सकते हैं। ठीक है, डिनाउंस। अरे वाह, सबने सही आंसर दे दिया है। अगला वर्ड देखेंगे एंगल्फ। एंगल्फ का मतलब क्या है ये आप मुझे बताएंगे। प्रैक्टिस को जारी रखें और अपनी प्रैक्टिस करते रहें। एंगल्फ का मतलब मुझे बताइए, एंगल्फ का मतलब क्या होता है? व्हाट्स द मीनिंग ऑफ एंगल्फ? नहीं आ रहा क्यों कुशल, ऐसा क्यों? निकालना, अनकवर, ड्राई, नेग्लेक्ट, ये नॉन डेट, मतलब कि नॉन डेट। अब आप सोचेंगे कि नॉन डेट का मतलब क्या होता है, इंडल डेट होता है, भरपूर, लाइक जैसे कि उसके पास एकदम कब्जा टाइप हो, तो उसे हम कहते हैं कि बहुत सारा है उसके पास, जैसे कि एकदम उन्होंने घेर रखा है, उसको भी इनंडेट कहते हैं। ओवर वाटर फ्लो, ज्यादा होना, ज्यादा एक्सेस के लिए आप इनंडेट वर्ड यूज करते हैं। आप मुझे बताइएगा गल्फ कंट्रीज में पेट्रोल क्या है? गल्फ कंट्रीज ने पेट्रोल को एंगल्फ कर रखा है, मतलब कि पूरा जकड़ रखा है, पूरा कब्जा है उनके पास एक तरीके से। तो गल्फ कंट्रीज ने कर रखा है इनंडेट, ना तो ड्राई, ना अनकवर, ना नेग्लेक्ट। आंसर होगा आपका इनंडेट। इनंडेट का मतलब होता है ओवरफ्लो, किसी चीज की एक्सेस, जैसे कि गल्फ कंट्रीज ने एंगल्फ कर रखा है, पूरा पकड़ रखा है, बांध रखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ऑफेंट। मान लो कि आप मैच देख रहे हैं, इंडिया पाकिस्तान का मैच है, सुनो एक मिनट, इंडिया पाकिस्तान का मैच है, या फिर इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच है, इंग्लैंड का मैच है,
किसी का मैच है, आप पता अच्छी अच्छी टीम्स में कुछ भी आप देखें, इंटरेस्ट आ रहा है, आपको मजा आ रहा है, और पापा आते हैं, लास्ट ओवर चल रहा है, एंड में आते ही ऑफ कर दें, क्या कर दें, ऑफ कर दें, एंड में आते ही ऑफ कर दें, तो आपको एकदम झुंझलाहट सी आएगी, इरिटेशन सी आएगी, गुस्सा सा आएगा, नाराज हो जाएंगे आप। तो नाराज होने के लिए कौन सा वर्ड है? अगर कोई चीज आप इंटरेस्टिंग देख रहे हैं और एंड में ऑफ कर दी जाए, तो एंड में अगर ऑफ कर दी जाएगी तो उसे क्या बोलेंगे? एसवेज बोलेंगे, एड बोलेंगे, असिस्ट बोलेंगे? अब मैम ये वर्ड तो नए हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन कुछ तो पक्का होगा यार, एड तो नहीं होगा, एड का मतलब तो हेल्प होता है और असिस्ट का मतलब भी हेल्प होता है, ये मैं बता चुकी हूँ आज की क्लास में, तो दो तो नहीं होंगे। अब इसका मीनिंग आप बता दीजिए, मैं बता देती हूँ। पी के, अगर घर पे आओगे पी के तो पापा क्या हो जाएंगे? नाराज हो जाएंगे, इरिटेट हो जाएंगे, गुस्सा हो जाएंगे। एसवेज, आ जा, सो जा। बच्चा जब बहुत ज्यादा परेशान कर देता है ना, तो मम्मी ये कहती सो जा, अरे सो जा, एसवेज करना, शांत करने की कोशिश करती है, तो एसवेज का मतलब होता है शांत करना। याद करेंगे, आ जा रे, सो जा, सो जा, तो क्यों सुलाती है? ताकि वो क्या हो जाए, शांत हो जाए, तो एसवेज मतलब होता है शांत करना। अब मुझे बताइएगा, अगर एंड में ऑफ कर दें तो आप तो नाराज ही हो जाएंगे ना, तो आंसर होगा पी के। अगर आप पी के आएंगे तो भी नाराज हो जाएंगे। अगर एंड में ऑफ कर दिया जाए कोई चीज जो आपका मजा आ रहा हो किसी चीज में, तो उसे भी क्या कहा जाएगा? ऑफेंड कर देना, किसी को अपमानित या नाराज कर देना सामने से। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? एसवेज, वेरी गुड। एसवेज का मतलब क्या? एसवेज का मतलब होता है शांत करना, जैसे कि अभी हमने पढ़ा था। क्या ट्रंकुलाइज इसका सिनोनिम होगा? क्या मैं एसवेज को ट्रंकुलाइज बोल सकती हूँ? बोल सकती हूँ, एसवेज का मतलब भी ट्रंकुलाइज होता है। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा पार्सिमोनी। पार्सिमोनी का क्या मतलब है? पर्स में मनी कोई रखता है क्या? पर्स में मनी मतलब, मान लो आप चार पांच दोस्त हैं, है ना, और चार पांच दोस्त हैं, कई बार आपके साथ ऐसा होता होगा, मुझे बताइएगा अगर मैं सही कह रही हूँ तो, क्योंकि सबके साथ ऐसा होता है। और ग्रुप में कई बार, जैसे मान लो आप चाय पीने गए कुछ भी, तो इतने में जैसे बिल देने की बारी आती है, तो बिल देने की बारी तो एक दो तो बस ड्रामा सा करते हैं, एक की तो जरूर ऐसे, एक तो ड्रामा सा करता है कि जेब में से, अच्छा पर्स, बस इतनी आराम आराम से पर्स ढूंढेगा, पर्स में से निकालेगा, इतने में जो दूसरा होता है वो दे देता है, हर बार यही करता है। अगर आपके साथ भी कभी ऐसी घटना हुई है तो मुझे थम्स अप या लाइक भेजें, क्या सच में ऐसा होता है? एक दो तो ग्रुप में जरूर होता है, हमारे साथ तो था, आपके साथ भी होगा, सबके साथ होता है। यस मैम, सबके साथ, एक ग्रुप में ऐसा बंदा जरूर रहता है जो रहता है पार्सिमोनी, जो बस पर्स में ही मनी रखता है, उसकी मनी नहीं निकलती भाई, पर्स में से इतने दूसरा दे देता है। यस मैम, अनिल जी कह रहे हैं, विश्वास जी, नौसी जी, यस मैम, रश्मि के साथ, सबके साथ हो रहा है ना, तो सबके साथ होता है, ये तो जनरल ट्रेंड है। तो जो रखता है पर्स में मनी, वो पर्सन कैसा है? वो पर्सन है कंजूस टाइप का, कम पैसे खर्चा करता है भाई, वो कम पैसे खर्चा करना, जेनरोसिटी का मतलब होता है एकदम जेनरस पर्सन, उदार, जेनरस पर्सन, उदार, बड़े दिल का, है ना, ऐसा। फ्रूगल, गर्ल भी दो टाइप की होती है, एक तो प्रोडिगल और एक फ्रूगल। फ्रूगल होती हैं जो कम खर्चा करती हैं, प्रोडिगल होती हैं जो ज्यादा खर्चा करती हैं, है ना, उनको ब्रांडेड चाहिए सब चीजें, ऐसी फ्रुगैलिटी विल बी द राइट आंसर। वेरी गुड, बहुत सही है ना, अपने अपने, मेरी तरफ से आपको लाइक ऐसे ही दे सकती हूँ, अब मेरे पास तुम्हारे फोन नहीं है जो सब सबको लाइक करूँ, क्या कहते हो? फ्रुगैलिटी, अच्छा जी, अगला वर्ड देखेंगे, रेडी से बना, रेडीनेस, एकदम तत्पर, तैयार होना। और बॉन्ची का मतलब होता है गिफ्ट, एक बंटी है एक लड़का, वो बस ट्राई करता है गिफ्ट विफ्ट दे के कुछ सेटिंग हो जाए, पर हो नहीं पा रही उसकी। बॉन्टी, बॉन्टी का मतलब होता है गिफ्ट, उपहार। याद हुआ, समझ में आया? पर्सी मनी को कैसे रिलेट करेंगे? कोई पर्सन पर्स में मनी रखता है तो उसे कहते हैं फ्रुगैलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फैटिग। फैटी लोग, फैटी मतलब मोटे लोग, मोटे लोग, थोड़ा सा चलकर, मोटे लोग थोड़ा सा चलकर, थोड़ा सा चलते हैं, थोड़ा सा दौड़ते हैं,
और हाँफने लग जाते हैं। हाँफने लग जाते हैं मतलब जल्दी से थक जाते हैं, पढ़ के भी जल्दी से थक जाते होंगे। आप में से भी बहुत सारे लोग थक गए होंगे, क्या कहते हो? फैटिक मतलब मोटे लोग, फैटी लोग, मोटे से लोग थोड़ा सा चलते हैं और क्या जाते हैं, थोड़े चलने पर ही थक जाते हैं। तो थकने का इंग्लिश मुझे बताइए क्या लाइवनीनेस होगा? लाइवलीनेस तो लाइव हो गया मैम, एनर्जेटिक हो गया ना, लाइफ तो एनर्जेटिक है, तो नहीं लाइवलीनेस तो नहीं होगा। अवेयरनेस छोड़िए एक मिनट, अगला वर्ड देखेंगे री एनिमेट। री एनिमेट फ्रेशनेस तो नहीं होगा, मैं आपने तो ये बोला फैटी लोग थक जाते हैं। री एनिमेट क्या होता है? री एनिमेट सुनिए पहले, री मतलब अगेन, एनिम मतलब लाइफ, एनिम का मतलब क्या होता है? लाइफ होता है, जैसे कि एनिमल, एनिमल के अंदर तो जिंदगी होती है, तो लाइफ दोबारा से किसी के अंदर री एनिमेट होना मतलब कि एनर्जी होना, किसी के अंदर दोबारा से लाइफ डाल देना, जिंदगी डाल देना, तो जिंदगी डाल देना तो फाटिंग नहीं है, तो री एनिमेट भी आंसर नहीं होगा। आंसर होगा बच्चे इसका वियरीनेस, जिसका मतलब होता है थकना। वियरीनेस रिलेट करना है, आप इस वर्ड को भी रिलेट कर सकते हैं, जैसे फीमेल्स वगैरह बहुत गहने वहने अगर पहन लें तो, और फिर किसी पार्टी वार्टी में चले जाएं तो आँखें इतनी थक जाती हैं, सबसे पहले उनको वही निकालना है, तो ज़्यादा वियर करने से भी थक जाता है, वजन वजन ज़्यादा हो जाता होगा, वियरीनेस। तो वियरीनेस का मतलब भी थक जाना होता है। मैम पीडीएफ कब कहाँ मिलेगा? पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल मेरा सुमन इंग्लिश के नाम से आप टेलीग्राम पर सर्च कर लें, सॉरी लिंक आपके इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा और आपके चैट में भी चल रहा होगा, तो आप वहाँ से इसका लिंक देख सकते हैं। पार्सिमोनी रिपीट इट, पर्स में जो मनी रखता है बाहर नहीं निकालता, वो कंजूस है, तो पार्सिमोनी हो गया कंजूस आदमी। ठीक है, कल कितने बजे? कल 9 से 11, सुबह 9 से 11। ठीक है, कल 9 से 11 ग्रामर की क्लास रहेगी। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे ट्राइवियल। ट्राइवियल का मतलब क्या होता है? ट्राई, ट्राइवियल का मतलब क्या होता है? अभी सिर्फ ट्राई कर रहा है, तो ट्राइवियल मतलब तुच्छ, छोटा मतलब कि कम, तो हम बोलेंगे सिर्फ सुपरफिशियल। सुपरफिशियल अभी 3 और वर्ड बस, फिर क्लास को एंड करते हैं। नोट वार्म, नोट मीनिंगफुल, नोट एसेंशियल, कि भैया मैं तो सिर्फ ट्राई कर रहा हूँ अभी, ट्राइवियल मेरी तो सिचुएशन कैसी है? मामूली। ट्राइवियल का मतलब होता है मामूली, मामूली का मतलब अगर आप इंग्लिश में बोलेंगे तो एकदम ऊपर ऊपर से, सुपरफिशियल, सुपरफिशियल नजर आ रहा है मतलब कि बहुत ज्यादा शिद्दत नहीं है, बहुत ज्यादा शिद्दत नहीं है, बस ऐसे ही एवं ट्राई कर रहा है, ट्राइवियल तुच्छ तरीके से, मामूली तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दर्द, दर्द को रिलेट कर दीजिएगा डेड, डेथ हो जाए, कहाँ पर डेथ? अर्थ पर हो रही है अगर डेथ, अगर बहुत ज्यादा अर्थ पर डेथ हो जाए तो सिचुएशन हो जाएगी दर्थ, बताइएगा क्या बोलूं? प्लेंटीफुल, ज्यादा हो जाएंगे लोग? नहीं मैम ज्यादा तो नहीं हो जाएंगे, प्लेंटीफुल, प्लेटफुल, प्लेटफुल मतलब ज्यादा, इनफ माने भी ज्यादा, एडिक्वेट माने भी ज्यादा, तो लास्ट वर्ड है आपका मेगर, जिसका मतलब होता है कमी। क्या होता है? कमी। अगर अर्थ पर डेथ ज्यादा हो जाए तो लोगों की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी, तो दर्द का मतलब होता है कमी। नेक्स्ट वर्ड अभी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, पैरिलस, बताइएगा मुझे पैर अगर इल है तो बताइए सिचुएशन कैसी? डेंजर में है इंसान, डेंजर में है, राइट, तो बोलेंगे एमिकेबल, एमी माने लव, लवेबल। पर्सनेबल, पर्सनेबल का मतलब होता है जो पर्सन अट्रैक्टिंग लगता हो, पर्सनेबल का मतलब हो गया अट्रैक्टिंग। डेट्रीमेंटल, मेंटल लोग बहुत ही खतरनाक होते हैं, कभी भी उनका दिमाग पलट सकता है, पता लगे ईंट पत्थर उठाए और तुम्हारे सर पे जड़ दें, तो डेट्रीमेंटल का मतलब भी क्या होता है? डेंजरस होता है। चौथा वर्ड है आपका एग्रेसिव, एग्रेसिव का मतलब होता है जोश। ठीक है, तो हमने बोला पैरिलस, सिखा चुकी हूँ ये वर्ड तो आपको आना चाहिए, आंसर भी देना चाहिए आपको, पैरिलस का मतलब क्या है? पैर इल, अगर पैर इल है तो सिचुएशन कैसी है? डेंजरस। मेंटल लोगों से भी सावधान रहिए क्योंकि वो भी क्या है? डेंजरस। तो आंसर हमें मिल गया, आंसर आपका होगा आंसर नंबर 3।
याद हुआ, ये वर्ड मैं करा चुकी हूँ आपको, आज की क्लास में कराया था। अगर आप उस टाइम भी इसका हिस्सा थे तो मुझे बताइए। ये वर्ड मैं पहले करा चुकी हूँ, जो भी देखे क्लास को पूरा देखे, पूरा देखने के बाद ही वो अपने आप में ऐसा फील करेगा कि मुझे यार 200 250 मैंने वर्ड पढ़ लिए 2 घंटे में। इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि 200 250 वर्ड पढ़ लिए, इम्पोर्टेंट ये है कि वो याद भी हो गए होंगे। अगर आप शिद्दत से पढ़ें तो हर वर्ड को मैंने बताया कि कैसे याद करना है, लेकिन पूरी क्लास नहीं देखेंगे तो फ़ायदा कुछ नहीं। 2 वर्ड 4 वर्ड सीखने से तो कुछ होगा नहीं, पूरा आपको कंप्लीट पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आपका लास्ट क्वेश्चन आंसर मुझे दीजिएगा। फ्लोरिश, ये आप मुझे आंसर दीजिए जिसको आता है, हो सकता है आपके लिए टिपिकल क्वेश्चन हो। अपनी अपनी तैयारी की जांच कर लें जरा। जिसको आता है ठीक है, जिसको नहीं आता तो हम बताएंगे ही, पर अपना खुद बता दो तुम्हें तुम्हें आता है या नहीं। क्लियर, ऑल इन वन न्यूज, क्लियर? ओके, ज्योति कह रही है ए आंसर, लैंग्वेज गलत आंसर। मोहम्मद जी आपका भी गलत आंसर, अंकित जी आपका भी गलत आंसर, वैभव जी आपका भी गलत आंसर। चलो कोई तो ठीक भी दे रहा है आंसर, मगर मैक्सिमम गलत दे रहे हैं। अभी गर्ग आपका भी गलत आंसर, सुनंदा शायद कोई है उनका भी गलत आंसर, गलत ही आंसर, सब गलत गलत आंसर दे रहे हैं, शाकिर को छोड़कर। सब आजमा लें अपना अपना, पर मैक्सिमम लोग गलत आंसर दे रहे हैं। फ्लोरिश का मतलब क्या होता है? फ्लोरिश का मतलब होता है फ्लोरिड, फ्लोरिश। भैया फ्लावर से बना है वर्ड फ्लोरिश, FLO, फ्लावर। किससे बना है? फ्लावर से। भाई कल सुबह आपकी क्लास रहेगी 9 से 11, अमन सर की ऐसे बोल रहे हैं बच्चे, रात को 9 से 11 नहीं, कल सुबह 9 से 11 आपकी क्लास रहेगी। ठीक है, संडे है, मॉर्निंग मॉर्निंग सुबह उठते ही क्लास आपको लाइव रहेगी। गलत आंसर दे रहे हो, तुम चुप हो जाओ। फ्लोरिश का मतलब होता है फ्लार, फ्लार का मतलब होता है फ्लोरिड। देखिए फ्लो, FLO, यहीं से ये वर्ड बना है, फ्लोरिश फ्लोरिड। आंसर तो आपको मिल गया, 4 विल बी द राइट आंसर। जो 1 कह रहे हैं, 2 कह रहे हैं, 3 कह रहे हैं, वो गलत आंसर दे रहे हैं। ठीक है, अब मैं बता देती हूँ लैंग्वेज क्या होता है, विदर क्या होता है, श्रिवल क्या होता है। तीनों का रिलेशन लगभग सेम होता है। कमजोरी मतलब लैंग्विश, लैंग्विश का मतलब होता है कमजोर, वीक। विदर का मतलब मुरझाना, जैसे फूल का विदरनेस, वेदर अगर खराब हो तो विदर हो जाता है। श्रिवल का मतलब भी होता है कम हो जाना या फिर किसी चीज का शक्तिहीन हो जाना। इसको आप श्रिंक से याद कर सकते हैं, विदर को, वेदर खराब है तो फूल विदर हो जाते हैं, मुरझा जाते हैं, ज्यादा धूप हो गई तो भी विदर हो जाना, कमजोर हो जाना। लैंग्विश का मतलब भी आप रिलेट कर ही सकते हैं, कमजोर, विदर का मतलब मुरझाना। ये तीनों लगभग सिमिलर टाइप के वर्ड है ना, लेकिन आपका आंसर क्या होगा? फ्लोरिड विल बी द राइट आंसर, मतलब कि फ्लावर से रिलेटेड होगा। ठीक है, किसके? अच्छा सही भी था क्या किसी का? अभी आप एवं कह रहे हो सही था, तब तो सब गलत गलत आंसर दे रहे थे। आपकी शादी में जरूर आएंगे, मैं बुलाऊंगी नहीं, आओगे कैसे? कोर्ट मैरिज करूंगी। अच्छा अपने नंबर दो, आपने लगभग 200 250 वर्ड सीखे, 50 में से नंबर दे दो। 50 में से कितने लगभग लग रहा है कि तुम कौन से लेवल पे हो? ऑसम सेशन, थैंक यू वेरी मच, मैग्निफिसेंट सेशन। सेशन कैसा रहा ये अभी भी बता दो और बाद में भी बता देना मेरे को, इतना तो जानने का मेरा हक है, अभी 2 घंटे से पढ़ा रहे हैं आपको। और कोई क्वेश्चन किसी का?
बैच कब से शुरू होगा? नॉर्मल बैच तो ऑलरेडी हो चुके हैं, स्पोकन 22 दिसंबर, और मेंस का बैच 1 दिसंबर। मेरा सही था? हाँ ठीक है, तेरा सही था। फ्लोरिश का मतलब फ्लोरेट। फाइन, चॉकलेट भेजें तेरे पास? स्प्लेंडिड, मैग्निफिसेंट और एलिगेंट, ग्लोरियस, पॉम्पस। सही है, मेरे पढ़ाए हुए सारे वर्ड यूज़ कर डालो, यही तो अच्छी बात है। आप जितना भी इंग्लिश सीखते हैं उसको अप्लाई करें तो इंग्लिश अपने आप आ जाती है। बहुत सबसे इजी, अगर मैं बोलूँ लैंग्वेज, सबसे इजी लैंग्वेज है इंग्लिश, हिंदी से तो बहुत इजी। कल आपकी हिंदी की क्लास जरूर रहेगी, रात को 9 बजे रहती है ना हर बार? संडे को, संडे को आपका रात को आपकी 9 बजे हिंदी की क्लास, मॉर्निंग में सुबह 9 बजे इंग्लिश की क्लास। मेरी नहीं, अमन सर ग्रामर की क्लास लेंगे, ठीक है? चलिए फिर चलें, इजाज़त दें कि हम भी घर जाएं, आप भी खाना खा लें और हम भी खा लेंगे, और सो जाइए और पढ़ते रहिए। बाय बाय, गुड नाइट।